嗯。<clears throat> नमस्कार एक बार पुनः सबको मेरा नमस्कार हार्दिक अभिवादन हार्दिक अभिनंदन आज हम लोग एक इस टीचर एजुकेटर का जो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है अकेडमिया के लिए इंटरेक्शन के लिए डिस्कोर्स के लिए तो सबसे पहले डॉक्टर सोमू सिंह जी को बहुत बहुत ही धन्यवाद कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पर एक कंट्री लोग जुड़ रहे हैं एकेडमिशंस जुड़ रहे हैं स्टूडेंट जुड़ रहे हैं खास करके जितने भी जो रिसर्चर्स ये जुड़ रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका तो इनको बहुत बहुत ही धन्यवाद कि उन्होंने एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है ख़ास करके इतने बड़े गैलेक्सी से जुड़ने का जो ख़ास करके देश के कोने कोने में हैं और अपने घर बैठे इस एकेडमिक डिस्कोर्स का एक बेनिफिट ले रहे हैं आज जिस विमर्श बिंदु को लेकर के हम आए हुए हैं उसका जो कंटेंट है और उसका जो स्कोप है उसका जो एक रेफरेंस है वो है कि न्यूरोसाइंस के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं लर्निंग के प्रति लर्निंग को किस तरीके से न्यूरोसाइंस देखता है तो जो न्यूरो साइंस पर्स्पेक्टिवस ऑफ लर्निंग एडुकेशनल इम्प्लीकेशन्स और इस तरीके से uh, कैसे हम लर्निंग uh, को समझें लर्निंग को समझने के लिए ख़ास करके uh, बहुत सारे uh, विषय ने कंट्रीब्यूट किया है और uh, चाहे फ़िलोसफी uh, हो चाहे साइकॉलॉजी uh, हो चाहे सोशालॉजी हो, चाहे sociology हो चाहे जो भी इवन टेक्नोलॉजिकल सा बहुत सारे टूल्स हों चाहे मेडिकल साइंसेज हों बहुत सारे विषयों ने अपने अपने विचार रखे हैं अपने तरह से लर्निंग को डिफाइन करने की लर्निंग को एनालाइज करने की लर्निंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है आज हम खास करके न्यूरो साइंस का जो पर्सपेक्टिव है उसने एक नई दिशा दी है लर्निंग को समझने के लिए खास करके जब हम बात करते हैं लर्निंग चूँकि एक जितने भी मानव व्यवहार हैं उस मानव व्यवहार में से वो एक की बिहेवियर है क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं जन्म लेने के पहले से पूर्व से लेकर के और इवन की कहते हैं वोम्ब से लेकर के टॉम्ब तक गर्व से लेकर के कब्र तक ये जो प्रक्रिया चलती रहती है कि हम अपने आप को किस तरीके से चेंज करते हैं किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं किस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को रिए स्ट्रक्चर करते हैं हम अपने आप को रिए स्ट्रक्चर करते हैं इस तरीके से एक अनवरत जो चलने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जिसे अनुभव के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है जैसे लर्निंग की संज्ञा दी जाती है तो लर्निंग को समझने के लिए आ, समय समय पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आए आ, और जो न्यूरोसाइंस का जो जो लेटेस्ट पर्सपेक्टिव है जिसको बायोलॉजी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं जिसको ब्रेन बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं जिसको एक यदि कहा जाए तो ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग कहते हैं अंतर विषयक जो एक उपागम है या जो पड़ा विषयक उपागम है इंटर डिसिप्लिनरी और जो ट्रांसडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उस अप्रोच के माध्यम से लर्निंग को किस तरीके से समझा जाए हम जानते हैं कि लर्निंग एक, एक, एक इस तरीके से हमारे बिहेवियर में होने वाला जो परिवर्तन है जो वाकई यदि किसी का लर्निंग पेस यदि कम हो लर्निंग की प्रक्रिया यदि प्रॉपरली नहीं हो पा रही हो तो हम जानते हैं कि हमारा विकास संभव नहीं है हमारा जो एक एडजस्टमेंट है वो संभव नहीं है हमारा जो एक जो एडेप्टेशन है वो संभव नहीं होगा यानी कि लर्निंग यदि देखा जाए तो एडेप्टेशन से लेकर के एडेप्टशन uh, uh, से लेकर के uh, जो uh, uh, जो एकोमोडेशन uh, से लेकर के एडजस्टमेंट से लेकर के uh, इन uh, बहुत सारी प्रक्रियाओं को मिल कर के uh, एक uh, हमारे व्यवहार में होता है इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक uh, बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि लर्निंग को हम किस तरीके से समझें तो आज जो साइंस का जो है वो एक डिसिप्लिनरी पर्स्पेक्टिव है जिसमें जैसा कि आपको कहा गया कि ये एक कहा जाए तो एक एक लर्निंग साइंस है जबकि एक लर्निंग आर्ट्स भी है ये एक हम लर्निंग साइंस की भी बात करेंगे और एक लर्निंग आर्ट्स की भी बात करेंगे खास करके ब्रेन बेस्ड लर्निंग जिसको कहते हैं हम जानते हैं कि सारे जो लर्निंग है उनका आधार ब्रेन है लेकिन न्यूरो साइंस के जो आ, जो आ, आ, शोध हुए हैं न्यूरो साइंस ने जो आ, बहुत तरह के एपरेटस बहुत सारे के इक्विपमेंट्स बहुत सारे जो टूल्स हैं जो इनर साइड में क्या क्या हो रहा है क्या हलचल हो रही है क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं क्या गतिविधि हैं अंदर की क्योंकि पहले तो हम केवल और केवल एक अंदाज़ा लगाते थे कि ऐसा यदि ये कुछ दीपक है तो ये ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है तो इसका ये एक संभावित कारण हो सकता है लेकिन न्यूरोसाइंस ने एक बहुत हद तक यदि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम समझें कि किस तरीके से न्यूरोसाइंस ने हमारे कॉग्निशन को लर्निंग के प्रति जो कॉग्निशन है उस कॉग्निशन को चेंज करने का काम किया है मैं यहाँ पे बहुत सारे बुक्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसमें खास करके इस लर्निंग प्रक्रिया को समझने के लिए आपको मदद मिलेगी ख़ास करके जो सुपर माइंड जो बुक है दीपक चोपड़ा जी की खास करके आ, जो, आ, जो आ, वी एस रामचंद्रन जी की जो बुक है द टेल टेल ब्रेन और जो लेविंथल की बुक है जो द इंट्रोडक्शन टू फिजोलॉजिकल खास करके साइकोलॉजी और इस तरीके से जितने भी हैं ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है द टीन एज ब्रेन जो डॉक्टर फ्रांसिस जेंसन की बुक है इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिस यदि आप जिन बुक्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जिसमें खास करके जो ओम स्वामी जी की कुंडलनी एक बुक है जो इंटीग्रल जो चक्रा साइकोलॉजी है जो किस तरीके से हमारे अंदर जो जो चक्र जितने भी चक्र हैं वो चक्र किस तरीके से एनर्जी को आ, फ्लूट करता है और किस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं समय समय पर तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम इसको समझें एक नए आउटलुक में समझें तो यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक जो न्यूरो साइंस को यदि देखा जाए तो इसमें मनोविज्ञान का भी कॉम्बिनेशन है इसमें एक देखा जाए तो सोशोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है इसमें यदि देखा जाए तो साइकोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है इसमें देखा जाए तो न्यूरो साइंस का कॉम्बिनेशन है न्यूरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है और इसमें यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है या मीन्स क्या कि टेक्नोलॉजी जो है न्यूरोसाइकोलॉजी जो है न्यूरो साइंस जो हैं जो मनोविज्ञान जो सोशोलॉजी इन सा� सब मिल करके आ, 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 ये कीजिए तो शायद आ, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट पे आ, हमें आ, देखना होगा तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए जो चाहे टीन ब्रेन का एक डिस्क्रिप्शन हो चाहे जो कुंडलनी का जैसे मैंने बताया कि जो ओम स्वामी की एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी बहुत अच्छी बुक है जो खास करके परमहंस योगानंद को भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें न्यूरोसाइंस की आपको झलक मिलेगी जिसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की वो बात करते हैं और किस तरीके से मेडिटेशन हमारे पूरे न्यूरल जो नेटवर्क्स है न्यूरल नेटवर्क्स को किस तरीके से वो एक एक नई दिशा देता है सोचने के लिए नई दिशा देता है हमें अपने आप को पहचानने के लिए हमारे अंदर जो ट्रेज़र है उसको ये करने के लिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लर्निंग uh, को समझने के लिए क्योंकि लर्निंग को यदि हम समझ लेते हैं उसमें दोनों एक दूसरे के लर्निंग को और अपने खुद के लर्निंग को क्योंकि uh, खुद के लर्निंग को समझना जो मेटा कॉग्निशन है मेटा कॉग्निशन को भी समझने में ये जो न्यूरोसाइंस uh, का जो पर्स्पेक्टिव है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्स्पेक्टिव है तो इसलिए uh, 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 जो एक आस्पेक्ट uh, है उस आस्पेक्ट को हमें देखने की ज़रूरत है आ, खास करके यदि हम देखें तो आ, जो चाहे लर्निंग साइंस या ब्रेन बेस्ड लर्निंग या जो ट्रांस डिसिप्लिनरी बेसिस ऑफ जो लर्निंग है और जो बी एस रामचंद्रन की जो हाउ द ब्रेन लर्नस है वो एक बहुत ही एक जिसको एक पद्मश्री एवॉर्ड भी मिल चुका है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो एक बहुत ही अच्छी बुक है वी एस रामचंद्रन की जो बुक है द टेल टेल ब्रेन उसको भी यदि आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लर्निंग जो है वो किस तरीके से आ, हमारे कॉग्निशन को कॉग्निशन में किस तरीके से होता है हमारे संज्ञान में किस तरीके से होता है इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक एक नया पर्सपेक्टिव देता है न्यूरोसाइंस हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान हमारे लिए आ, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें खास करके हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर का और खास करके कॉग्निटिव प्रोसेसेस का हम स्टडी करते हैं अब कॉग्निशन को समझना हमारे लिए तब तक संभव नहीं है जब तक हम इनर जो आ, हमारे कॉग्निशन का जो इनर डायनामिक्स है उस इनर डायनामिक्स को आ, समझने की कोशिश आ, किया जाए हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे हम ये कहते हैं कि जो डिग्रीज़ हैं या जो हम जो कुछ लर्न करते हैं वो लर्न करने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए एक जो एक केवल रोजगार की समस्या है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जैसे गौरव कुमार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जैसे लर्निंग यदि आप केवल लर्निंग के पर्सपेक्टिव को आप यदि समझ जाएंगे तो शायद आपके लिए रोजगार कोई समस्या नहीं होगी रोजगार का मतलब ये है कि फिर आप रोजगार क्रिएटर होंगे ना कि रोजगार पे डिपेंडेंट होंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर और आप डिजर्व करने के लिए आप कम से कम अपने मेटा कॉगनीशन को आप यदि आप लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं और फिर आपको लोग ढूंढते हैं कि आप एक बहुत अच्छे आप बींग हैं आप एक बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट हैं आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं क्योंकि अच्छे लर्नर की हमेशा पूछ रहती है अच्छी एक पर्सनैलिटी की हमेशा पूछ रहती है तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम इसको समझें तो जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान अब अपना अपनी दशा और दिशा अब अब परिवर्तित कर रहा है जब से खास करके हमने देखा है कि आ, आ, तो एक आ, आस्पेक्ट हम यदि देखा हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आस्पेक्ट ये है कि हम जो कॉग्निशन के जो विदिन जो प्रोसेस है कॉग्निशन के जो अंदर जो जो भी प्रोसेस हैं खास करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आई हैं जो आपको ब्रेन के जो विदिन का जो हलचल है उस हलचल को एक हमारे लिए एक समझने में एक बहुत ही बेहतर भूमिका प्ले करता है और एक यदि हमें देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही आस्पेक्ट एक बेहतर आस्पेक्ट होगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे यदि देखा जाए कि हम एम की बात करें हम जो इलेक्ट्रो एनसेफ्लो जो ग्राफी है जो ई e की बात करें इस तरीके के जितने भी हैं जो मैग्नेटिक रेजोनेंस अमेजिंग हैं इस तरीके की जब हम देखें कि सब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिस टेक्नोलॉजी के लिए आ, आ, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने न्यूरो जो डायनेमिक्स हैं जो आपके जो विद इन कॉग्निशन जो जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी होती है बहुत सारे स्कूल्स आए मनोविज्ञान में जिसमें खास करके जो स्ट्रक्चरलिज़्म हो फंक्शनलिज्म हो बिहेवरिज्म हो चाहे साइको हो चाहे कॉग्नेटिविज़म हो ह्यूमैनिज्म हो बहुत सारे मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय आए बहुत सारी विचारधाराएं आई लेकिन आ, क्योंकि हमारे पास उस समय क्योंकि एक आ, जो इनडायरेक्ट जो एस्पेक्ट्स था केवल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जब एक कोई डायरेक्ट टूल हमारे पास डेवलप हो जाता है चाहे हम एक अपने अंदर के जितने भी विदिन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो हलचल हैं उसको यदि हम यदि देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही एक सुंदर एस्पेक्ट होगा एक हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर कामयाबी हमें मिलेगी कि हम किस तरीके से इसको एनालाइज करें किस तरीके से हम एक एक बेहतर तरीके से हम एक व्यवहार को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी स्कूल्स हैं इस जो इस स्कूल्स को यदि देखा जाए कि हम एक इंटीग्रेज इंटिग्रल भाव में यदि देखेंगे तो हमें फिर एक नया रास्ता मिलेगा व्यवहार को समझने के लिए बहुत सारे अप्रोचेज आए उस अप्रोचेज में हम जानते हैं कि हमारे लिए चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे बायोलॉजिकल मैकेनिस्टिक अप्रोच हो चाहे साइकोडाइनमिक हो चाहे काग्नेटिव अप्रोच हो चाहे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच हो चाहे सोशो कल्चरल अप्रोच हो चाहे इवोल्यूशनरी अप्रोच हो ये जितनी भी सारे अप्रोचेज़ हैं इन अप्रोचेज़ ने बिहेवियर को नेचुरली एक स्टडी करने का हमें मौका तो दिया है लेकिन न्यूरो साइंस ने सबको कंबाइन करने की कोशिश की है जो मनोविज्ञान ने जो कहा जो खास करके जो सोशोलॉजी ने जो कहा जो फिलासफी ने कहा जो स्परिचुअलिटी के माध्यम से जो हमने लर्न किया उसको खास करके एक अंदर किसी टूल के माध्यम से हमने उसको री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की री वेरीफाई करने की कोशिश की उसमें एक जनरलाइजेशन करने की कोशिश की इस तरीके से हमने देखा कि न्यूरोसाइंस एक हमें नया डायमेंशन देता है और जो बहुत सारे मेथड्स हैं बहुत सारे मेथड्स जिसमें आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान कभी इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से स्टडी किया ऑब्जर्वेशन के माध्यम से स्टडी किया जिसमें बहुत सारे अप्रोचेज जैसे एम्पेरिकल जो एविडेंसेस के माध्यम से जो अध्ययन किया गया जो एम्पेरिसिजम जिसको हम कहते हैं और जो डिटर्मिनिज्म है कि हर एक प्रत्येक कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट है यदि कोई प्रभाव दिख रहा है तो उसका प्रत्येक कुछ न कुछ कारण तो होगा ही होगा इसलिए हम यूजुअली यदि हम देखे हैं तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट हमें यह है कि हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम इसको एक हॉलिस्टिक रूप में हम देखें उसको एक हम इस तरीके से देखें कि हमें इंटीग्रल आस्पेक्ट्स हमें देखना पड़ेगा न्यूरोसाइंस ने जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उनको रीवैलिडेट करने का काम किया है चाहे एम्पिरिसिज्म से हमें डेटा मिला हो आ, या डिटर्मिनिजम से आ, एक हमें आ, नया समझने का मौका मिला हो चाहे इडियोग्राफिक अप्रोच हो जिसमें हम पर्सनल के केवल यूनिकनेस की हम बात करें और खास करके जब हम या इडियोग्राफिक या नोमोथेटिक जब हम नियम बनाने की स्थिति में रहते हों और हम जब क्रॉस सेक्शनल मीन्स क्या कि एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों का स्टडी करते हैं और जनरलाइजेशन की स्थिति में होते हैं चाहे क्रॉस सेक्शनल हो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या कि एक ही यूनिट का हम यदि अक्रॉस द टाइम हम स्टडी करते हैं लॉन्गीट्यूडनल और दोनों का मिस मिक्सड जो है सिक्वेंशियल जो सिक्वेंशियल लर्निंग है वो ये सभी अप्रोचेज जो हैं एक न्यूरोसाइंस में जाकर के मर्ज होता है न्यूरोसाइंस के जो पर्सपेक्टिव है उनमें मर्ज होता है तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझें और ख़ास करके दोनों हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर या कॉग्निशन के अंदर जो आप खुद कैसा परसीव कर रहे हैं जो खास करके जो एमिक अप्रोच है और जो बाहर का जो एक्सटर्नल रियालिटी को किस तरीके से आप देखते हैं या एक्सटर्नल रियालिटी आपको किस तरीके से देखता है जो एटिक अप्रोच है यानी कि एटिक और एमिक दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए हम देखते हैं कि मनोविज्ञान या किसी भी विज्ञान का जो फंक्शन है जो खास करके डिस्क्राइब करने का अंडरस्टैंड करने का प्रिडिक्ट करने का कंट्रोल करने का और अप्लाई करने का तो आपको लगेगा कि साइंस के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो पर्सपेक्टिव एक अपने आप में इन सभी को ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने का अंडरस्टैंड करने का प्रडिक्ट करने का मीन्स क्या कि उसकी व्याख्या करने का उसके बारे में अवबोध पैदा करने का और ख़ास करके प्रडिक्शन इवन की पूर्वानुमान लगाने का कंट्रोल करने का नियंत्रण करने का और ख़ास करके इसको किसी नए सिचुएशन में अप्लाई करने का ये सारे हमें मौका देता है तो इन आ, आस्पेक्ट्स को यदि देखेंगे तो हमारे लिए लगेगा कि न्यूरोसाइंस एक इंटीग्रल अप्रोच है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी साइकोलॉजी फिलोसफी सोशोलॉजी सभी का कॉम्बिनेशन है और ये जितने भी डेटा जो हमें मिले हैं उसको ब्रेन को स्कैन करके और ब्रेन को खास करके चाहे वो आप खुद से मेटा कॉग्निशन का स्कैनर हो चाहे किसी एक्सटर्नल टूल्स के माध्यम से हम स्कैन करें इसके माध्यम से हमारे लिए समझने का एक नया आ, आ, मौका है तो हम जानते हैं कि जैसा कि लर्निंग के बारे में आपको कहा जाता है कि ये एक चेंज इन बिहेवियर है जो कि रिलेटिवली परमानेंट है रिलेटिवली परमानेंट का मतलब यह है कि सापेक्षिक रूप से स्थाई है लेकिन वो अनुभव के माध्यम से है जो आपको स्वतः जो परिवर्तन होता रहता है उसे हम लर्निंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं वो ऐसे कैटेगरी में खास करके ग्रोथ और मैचोरेशन ये सब जितने भी चेंजेज होते हैं लेकिन लर्निंग एक ऐसा ये है जो एक दोनों को एक कंबाइन करने का कोशिश करता है खास करके जो आ, आपके आ, जो मैचूरेशन के माध्यम से जो चेंजेस होते हैं और उस मैचूरेशन के माध्यम से जो नेचुरल चेंजेस होते हैं और जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन या वाय वातावरण से जो आप कैसे परिवर्तित होते हैं तो एक आपके लिए मैचूरेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, का काम करता है और जो आ, जो लर्निंग के माध्यम से जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के माध्यम से जो चेंजेस होते हैं जिसको आप लर्निंग कहते हैं जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से समझ समझने में आपको कामयाबी मिलेगी और हम जानते हैं कि लर्निंग जो थी है वो लर्निंग थियरी खास करके एक ये एस्पेक्ट है कि हम जानते हैं कि लर्निंग होता कैसे है इसके बारे में हमें वो एनालाइज करने की कोशिश करवाता है कि लर्निंग होता कैसे है इस तरीके से यदि हम देखे जाएं तो जो मेजर पर्सपेक्टिव है चाहे वो बिहेवरिस्ट का हो गेस्टाल्ट का हो कॉग्नेटिविज़म का हो कंस्ट्रक्टिविज़्म का हो उसमें से एक और जो बेहतर जो पर्सपेक्टिव है वो न्यूरोसाइंस का है जो न्यूरोसाइंस जो है वो बायो सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल सभी का कॉम्बिनेशन है हम जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है जटिलताओं से भरा हुआ है और इस तरीके से हम हमारे पास जो भी एक इम्पॉर्टेंट है हम जानते हैं कि हमारे लिए जो एक कॉम्प्लेक्सिटीज का जो एक आस्पेक्ट्स है ये ये है कि हमारे लिए एक जो सिंपल यदि हम देखें तो एक परिस्थिति में एक अभी जैसे लेक्चर चल रहा है और इसी में सबके बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शन हैं रिएक्शन uh, क्योंकि उनके प्री uh, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं कुछ अभी के आधार पे रिएक्शन uh, दे रहे हैं मीन्स कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को किसी केवल एक सामान्य और एक एग्ज़ाम्पल से हम uh, नहीं हमें समझना चाहिए तो एक जो फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ह्यूमन बिहेवियर जो है जिसमें हम इसको ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही समझ सकते हैं और उस ट्रांस डिसप्लिनरी अप्रोच को यदि कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करता है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से लेकर के जो एक इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन हम देखेंगे किस तरीके से ये बिल्कुल करीब है और किस तरीके से न्यूरो साइंस ने जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के जो रिज़ल्ट थे उस रिजल्ट को री वेरीफाई करने का काम किया है री एस्टैब्लिश करने का काम किया है कि जो पुरानी जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में किस तरीके से एक ब्रेन के एक सेंटिटी पे एक ब्रेन के पीसफुलनेस पे एक ब्रेन के इंटीग्रिटी पे एक इंटीग्रल जो एक डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पे किस तरीके से ये किया है आपको जो न्यूरोसाइंस का जो पर्सपेक्टिव है वो एक साइंस के चश्मे से स्पिरिचुअलिटी को देखने का कार्य करता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम एक केवल यदि हम स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस के नज़रिए से देखना चाहते हैं और स्पिरिचुअलिटी का कॉनोटेशन या स्पिरिचुअलिटी का जो सिद्धांत है वो यदि वेरीफाई हो जाता है तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी हमें फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ये न्यूरोसाइंस एक इंडिकेशन देता है तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम जानते हैं कि जो ब्रेन है क्योंकि न्यूरो साइंस है तो हमें ब्रेन के सारे डायनेमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा जितने भी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके तरफ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारे इसमें जो थ्री पौंड का जो एक जो मास ऑफ जो जेली है जो यूजुअली देखा जाए कि 1.3 पॉइंट से लेकर के 1.4 पॉइंट का जो एक जो जेली है वो जेली समझिए कि, कि कितना वंडरफुल जेली है और वो यदि देखा जाए तो एक ह्यूमन जो बेबी का जो वेट होता है जो ब्रेन का जो वेट होता है वो आप जन्म के समय में यूजुअली देखे होंगे कि 350 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक का जो वो ब्रेन है उस वो ब्रेन जब 1.3 पॉइंट तक का जो विस्तार होता है उसमें उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इस चेंजेस को समझने के लिए न्यूरो साइंस बहुत हेल्प करता है और उसमें खास करके ब्रेन के एनाटॉमी को यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को और ब्रेन के फिजियोलॉजी को उसके शरीर क्रिया विज्ञान को हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे लिए हमें पता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हमें ये ये यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये कनोटेशन ये है कि हमारे लिए एक जो आस्पेक्ट है उसमें हम ब्रेन के खास करके जो एनाटॉमी है जो उसका जो वेरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बेहतर तरीके से यदि देखा जाए तो जो स्कैन है जो सी स्कैन है जो खास करके जिसको हम कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं या कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कहते हैं जो सी स्कैन है उसके माध्यम से ब्रेन की एनाटॉमी मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है जो एम जिसको हम कहते हैं हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होते हैं और हम जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ मैग्नेटिज़्म भी होता है और उस मैग्नेटिज्म उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से हम मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है और या जो मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर लेते हैं कि किस न्यूरॉन में किस नर्वस सिस्टम में किस पर्टिकुलर जो एक न्यूरॉन है उस न्यूरॉन में किस तरीके से वो एक इनकमिंग सेंस सिग्नल्स जाता है सेंस uh, किस तरीके से सेंसरी सिग्नल्स जाता है और आउटगोइंग किस तरीके से एक सिग्नल्स के रूप में आता है तो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग का जो प्रोसेस है ये बेहतर तरीके से आप uh, खास करके uh, जो सी स्कैन है मैग्नेटिक रेजोनेंस uh, जो इमेजिंग uh, है जिसको हम एम भी कहते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसमें खास करके जो मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी भी जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और खास करके ये तो ब्रेन के एनाटॉमी और ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है कि ये किस तरीके से कार्य करता है किस तरीके से इसको क्या क्या चाहिए इसके मेटाबॉलिज्म जो है जिसमें हम जानते हैं जिसको उपापचय कहते हैं जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों अपचय और उपचय और अपचय दोनों की जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं वो किस तरीके से हम इसको समझने के लिए हम क्या क्या प्रयास करें उस प्रयास करने में जो एक जो जितने भी ये टूल्स हैं ये टूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें ई जो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम है जो खास करके एम है जो मैग्नेटिक जो इंसेफेलोग्राम है चाहे जो पोजिशन जो एक पॉजिट्रॉन इमिशन जो टोमोग्राफी है ये हमारे लिए खास करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर डाल करके हम यूजुअली देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारे जो नर्वस सिस्टम में या हमारे जो नर्व्स में किस तरीके से हलचल होती है और किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है तो हमारे लिए एक बेहतर एक समझ पैदा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल हुआ है और ख़ास करके उसमें एमआरआई के साथ साथ जो एफ एम है जो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस एमेजिंग है और जो फंक्शनल जो एम आर है जिसको हम एफ एम आर एस कहते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंसाइट ये करता है इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो जो ब्रेन का जो एस्पेक्ट है ब्रेन के इनसाइड जो जो भी मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज्म को चल देखने की बहुत ज़रूरत है मीन्स क्या कि हमारे लिए जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं ये एक देखा जाए तो बायोलॉजी ऑफ लर्निंग बायोलॉजी ऑफ लर्निंग को एक समझने के लिए एक बहुत ही बेहतर भूमिका प्ले करता है मीन्स क्या कि यदि देखा जाए तो ये हम जब से बचपन से हम जब से हम जन्म लेते हैं या जन्म के जहाँ जब जहाँ से कंसेप्शन स्टार्ट होता है जहाँ से कंसीविंग स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत आस्पेक्ट है कि हमारा जो ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये एनवायरमेंट के और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के माध्यम से उसमें चेंजेज होते जाती हैं रीस्ट्रक्चरिंग होते जाती है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और एक ख़ास समय तक तो ये ये जो Uh, हमारा जो ब्रेन है बहुत ही प्लास्टिक है उसमें प्लास्टिसिटी बहुत होती है उसमें नमनीयता बहुत होती है इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका एज से क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से यदि हम किसी भी बच्चे को जब हम एक स्टडी करवाएं किसी भी बच्चे को जब हम एक ख़ास तरीके से यदि हम यदि देखें तो uh, उनके लर्निंग डायनामिक्स को यदि देखें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और न्यूरोप्लास्टिसिटी यदि देखा जाए तो ये एक देखा जाए तो हम लाइफ लॉन्ग हम अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से रीस्ट्रक्चर करते जाते हैं हम अपने ब्रेन को हम अपने ब्रेन को उसमें चेंजेस करते जाते हैं खास करके अनुभव के माध्यम से नए नए स्कीमज़ बनते जाते हैं इस तरीके से यदि देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स क्या कि हम ग्रेजुअली हम देखते होंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो केवल बैबलिंग और कूंग और ये होता है लेकिन हम उसके बाद बिल्कुल आ, हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं स्पोकन लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है ये देखिए कितना वंडरफुल एक एक गॉड ने हमें एक खास एबिलिटी दी हुई है मींस क्या कि इमोशंस किस तरीके से जनरेट होता है इमोशन किस तरीके से लर्निंग में रोल प्ले करता है जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज योगा और जितने भी हैं या जो इंक्रीज ऑफ जो वेट है ब्रेन का वो किस तरीके से होता है और उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मींस क्या कि जो एडोलसेंट के ब्रेन का डायनामिक्स जो है आपको कभी कभी लगता होगा कि एडोलेसेंट जो हैं वो कभी कभी आपको लगे होगा कि डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करते हैं मींस क्या कि उस समय खास करके आपको देखना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन में किसी खास तरीके का एक डायनामिक्स होता है जिसमें उनको अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता है वो ज़्यादा इंपल्सिव होते हैं तो वो जो इंपल्सिव होने का एक उनका एक जेनेटिक हार्ड जो वायरिंग है उसकी वजह से होता है इसीलिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तो जेनेटिक जो हार्ड वायरिंग है वो भी ग्रेजुअली जैसे जैसे उसमें रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो फिर वो इंपल्स पे कंट्रोल करना सीख जाएगा इस तरीके से हमारे लिए किस तरीके से स्लीप हमारे लिए किस तरीके से फूड हमारे लिए किस तरीके से वाटर हमारे किस लिए किस तरीके से हमारे लिए स्ट्रेस एक इनहिबिशन क्रिएट करता है हमारे लिए किस तरीके से अवरोध क्रिएट करता है तो हमारे लिए एक एस्पेक्ट यह है कि हम इसको समझें कि जो लर्निंग का जो समझने के लिए जो एक एस्पेक्ट है इसको न्यूरोसाइंस ने एक नई दिशा देने की कार्य देने का कार्य किया है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब न्यूरोसाइंस के बारे में हम जब ये कहते हैं हम ये जानते हैं कि सभी शिक्षक स्नायु विज्ञानी नहीं हो सकते सभी शिक्षक न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं हो सकते लेकिन जितने भी शिक्षक हैं वो शिक्षक इस व्यवसाय में हैं कि वो अपने स्टूडेंट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उस व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित किया जाना चाहिए इसलिए उनको बेसिक न्यूरोसाइंस के जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन्स हैं वो हमें समझना चाहिए इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि किस तरीके से एक शिक्षक को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग न्यूरो साइंस का होना चाहिए कि ताकि वो कॉग्निशन को समझे ताकि वो न्यूरल डायनेमिक्स को समझे ताकि वो इस तरीके से समझें कि कौन सा आपका एक टीचर का कौन सा व्यवहार बच्चे को अपील नहीं करता है और जब वो एक इस तरीके से करेगा मान लिया जाए कोई व्यवहार तो डेफिनेटली हमारे लिए एक आस्पेक्ट्स हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये समझें कि न्यूरोसाइंस के विषय वस्तु को करिकुलम में डालने की ज़रूरत है चाहे टीचर एजुकेशन के जो भी करिकुलम हो जो भी ह्यूमन बिहेवियर से जो भी रिलेटेड जो आस्पेक्ट्स हैं उनको हमारे लिए बहुत आस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम टीचर एजुकेशन या किसी और भी जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है उनके करिकुलम में हम इसे शामिल करें क्योंकि जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ह्यूमन ब्रेन के इंटरनल डायनेमिक्स को इनर डायनेमिक्स को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा हम जानते हैं कि ब्रेन एक अद्भुत संरचना है ब्रेन में अनंत संभावनाएं हैं एक रहस्यमय एक उसका एक यदि देखा जाए तो अभी तक ये रहस्यमय बना हुआ है लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अभी यदि देखा जाए तो केवल टेन परसेंट भी हम समझ नहीं पाए हैं ब्रेन के डायनेमिक्स को इसलिए हम यदि देखा जाए तो प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह निरंतर स्वयं को परिवर्तित या पुनर्परिवर्तित करता रहता है इसीलिए जो आ, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है उसमें कॉग्निशन और ब्रेन और माइंड का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं लेकिन वो टैलेंट लेटेंट रहता है अब आप देखिए टैलेंट और लेटेंट दोनों एक दूसरे का यदि देखा जाए तो एक एनग्राम है लेकिन टैलेंट जो है वो टैलेंट जो है वो बिल्कुल एक लेटेंट है वो गुप्त बना हुआ है लेकिन उस टैलेंट को समझना जब हम मेटा कॉग्निशन के माध्यम से टैलेंट को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक बेहतर मुकाम पे पहुँचेंगे ये बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं है कि जब आपने अपने मस्तिष्क पे विजय कर प्राप्त कर लिया आपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया आपने अपने कॉग्निशन के डायनेमिक्स को समझ लिया तो डेफिनेटली हमारे लिए एक आ, आ, एक एक दूसरा एक हमें डायनेमिक्स देखने को मिलेगा लर्निंग को और हम यदि देखें तो जो मस्तिष्क है शरीर के द्रव्यमान का यदि देखा जाए तो केवल टू परसेंट है लेकिन ये पूरे जो शरीर में जितना कैलोरी कंज्यूम होता है उसका ट्वेंटी परसेंट जो पार्ट है हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है वह आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर का ये मात्र टू है लेकिन जो एनर्जी कंजम्पशन का ये ट्वेंटी परसेंट है मींस क्या कि हमें एनर्जी के सोर्स का भी और एनर्जी के चैनल्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा एनर्जी के चैनल्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा और कि किस तरीके से हम एनर्जी हमें प्राप्त होती है और एनर्जी का चनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमारे लिए क्या भोजन होना चाहिए हमारे हमारे लिए निद्रा कितनी होनी चाहिए हमारा हमें जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम जानते हैं कि जो जो जल है एक बहुत ही गुड कंडक्टर है और हम न्यूरो साइंस में जो न्यूरोन में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है उस फ्लो में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है तो वाटर का इंटेक कितना होना चाहिए हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो इमोशन है जो इंपॉर्टेंट जो संवेग है वो संवेग किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम जानते हैं कि आ, एक इमोशन जो है जो मोटिवेशन है ये मोटिवेशन किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो हम अपनी स्टूडेंट को किस तरीके से इमोशनल नर्चरिंग करें क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग को अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है बहुत लोगों को इमोशन दूसरे के इमोशन को रिकग्नाइज नहीं करना आता है कब किस समय कब किस समय हमारे लिए यदि देखा जाए तो आ, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये आस्पेक्ट है कि हम यदि देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये आ, आ, हो जाता है कि आ, जो ब्रेन सेल्स हैं वो ब्रेन सेल्स का एक्टिवेशन किस तरीके से होता है तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन का इनटेक है चाहे ग्लूकोज का जो इनटेक है ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और तंत्रिका संकेतों के मस्तिष्क में जो प्रवाह हेतु है हैं उनके लिए हम जानते हैं कि तंत्रिका संकेत को मस्तिष्क में प्रवाह के लिए और फ्लॉलेस प्रवाह के लिए और अविरल उसके अविरलता को बनाए रखने के लिए जो वाटर है वो वाटर का जो एक बैलेंसिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जानते हैं कि जो हम जब सांस लेते हैं और और सांस लेने के बाद और यदि हम पानी पिए तो एक मॉइस्ट एयर होता है हमारे फेफड़े में और जल से हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन होता है उसका एक खास तरावट होता है और जब वो आ, हार्ट से जब ब्लड फ्लो करता है फेफड़े की तरफ जो प्यूरिफाई करने के लिए जो ऑक्सीजन के इंटेक लेने के लिए तो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही हमारा उतनी ही अधिक एक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उतनी ही स्टार्ट होगी यानी कि कॉग्नेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए हम हमें अपने स्टूडेंट के लिए खास करके ऑक्सीजन की बैलेंसिंग वाटर की बैलेंसिंग ग्लूकोज की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ईच एंड एवरी पाठ्यक्रम में इन सारे आस्पेक्ट्स को हमें रखना चाहिए तो जब हम ये बात करते हैं कि हम आ, किस तरीके से एक मॉर्निंग का जो पीरियड होना चाहिए वो मॉर्निंग का पीरियड स्टूडेंट को कितना कि, किस तरीके का ब्रेकफास्ट करना चाहिए क्या ग्लूकोज लेना चाहिए कितना वाटर लेना चाहिए ये सभी जो है न्यूरोसाइंस इसको एक एक नया एक डायमेंशन देता है उसको वैलिडेट करने की कोशिश करता है कि एक स्टूडेंट को अपने आहार और विहार में किस तरीके से परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि उसका एक मेंटल बैलेंस बना रहे एक कॉग्नेटिव बैलेंस बना रहे इसलिए यूजअली देखा जाए तो हम ये समझते हैं कि यदि ज़ीरो से टू वर्ष के बच्चों को यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि आप देखें कि उनकी आंख को बिल्कुल बंद कर दीजिए कर दिया जाए और आंख से उसे देखने के लिए नहीं दिया जाए तो आंख कार्य करना बंद कर देगा इवन कि सारे ब्रेन के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर तंदुरुस्त रहते हुए भी आँख कार्य करना बंद कर देगा इवन कि बहुत समय तक यदि किसी स्टूडेंट को यदि देखा जाए किसी बच्चे को यदि देखा जाए तो स्पीच uh, का मौका यदि नहीं दिया जाए या ऑडिटरी नर्व्स की सेंसेशन का यदि मौका यदि नहीं दिया जाए तो वो ना तो सुन पाएगा और ना तो वो बोल पाएगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इस, इस इस जितने भी ये डायनेमिक्स हैं इस डायनेमिक्स को हम समझें तो ये हमारे लिए एक आ, आ, आस्पेक्ट है कि हम किस तरीके से विजुअल स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है सही समय पे विजुअल स्टिमुलेशन ऑडिटरी स्टिमुलेशन किस तरीके से जरूरी है और जेनेटिक ब्लूप्रिंट को आ, हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन के माध्यम से हम शेप रीशेप और डीशेप करते हैं मीन्स क्या कि जो हमारे पास जो जैविक जो हमारे पास जेनेटिक संपदा है हमारे जो पेरेंट्स से मिला है हमारे जो पूर्वजों से जो मिला है उन पूर्वजों के माध्यम से यदि हमें देखा जाए तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यह है कि हमें देखना चाहिए कि किस तरीके का वातावरण होना चाहिए एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन किस तरीके से होना चाहिए क्योंकि एक सुटेबल एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन एक जो वातावरण का जो एक उद्दीपक है जो वाह्य उद्दीपक है उस उद्दीपक का होना उस वातावरण का एक अच्छा होना यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट क्लीन स्लेट का टेबुलर असा का नहीं हमारा ब्रेन टेबुलर असा नहीं है ये हमेशा ये एक यदि देखा जाए तो uh, इसमें हमारे संवेग इसमें हमारे जो uh, uh, संचित कर्म और हमारे लिए बहुत सारे uh, ये एक उसमें कंपोनेंट्स रहता है तो उन कंपोनेंट्स को हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक हमें ये समझना की समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मल्टीमीडिया का प्रयोग कितना होना चाहिए मल्टीमीडिया मीडिया किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन करता है और आज बच्चों में यदि देखा जाए तो ए डी एस डी के क्या जो शिकार हैं जो बच्चे बहुत हो रहे हैं जो अटेंशन डिफिसिट जो डिसऑर्डर हैं उस डिसऑर्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है किस तरीके से अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बढ़ती जा रही है तो किस तरीके से यदि हमें देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस बात को समझें कि ब्रेन का शेपिंग रीशेपिंग और डीशेपिंग किस तरीके से होते हैं जो फाइव सेंस ऑर्गन्स जो हमारे रिसेप्टर्स हैं के अलावा भी मस्तिष्क बिना इन सेंस ऑर्गन के भी इंटरनली भी बहुत सारे संकेतों को आइडेंटिफाई करता रहता है आखिर वो कौन सी ऐसी गतिविधि है उसको भी हमें समझने की और समझाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि न्यूरो साइंस हमारे लिए एक बहुत ही आस्पेक्ट एक का प्रदान करता है इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम यदि देखें तो याद रखना या मेमोराइज करना या लर्न करना ये केवल और केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है ये एक जैविक प्रक्रिया है एक सामाजिक प्रक्रिया है एक ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है तो इसलिए इन सभी को कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी हम जानते हैं कि संवेग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इमोशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इस ब्रेन में इमोशन का एक खास पर्टिकुलर प्लेस है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए क्योंकि जब तक हम किसी भी लर्निंग को इमोशंस के साथ यदि हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे इंटैक्ट नहीं करेंगे उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि लर्निंग एक प्रॉपरली हो तो लर्निंग का इमोशन के साथ किस तरीके से ये है हमारे लिए जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जो लर्निंग है उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल करना और ख़ास करके इमोशंस को एक इस तरीके से आ, आ, समझना दूसरे के इमोशन को पहचानना तो इस तरीके से न्यूरो साइंस हमें बताता है कि इमोशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब हम इमोशनल होते हैं तो किस तरीके से उन चीज़ों को हम याद रखने की स्थिति में होते हैं आप इमेजिन कीजिए कि जो चीज़ आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद रखते हैं तो इस तरीके से इंटेलिजेंस के बारे में यदि देखा जाए तो न्यूरो साइंस ने हमें ये आ, एक समझने का मौका दिया है कि ये जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी नहीं है ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस ने बहुत बखूबी रखा है और उसमें दिखाया कि प्रत्येक ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं कुछ विजुअल के पार्ट हैं कुछ ऑडिटरी के पार्ट हैं कुछ स्पेशल लर्निंग के पार्ट हैं ईच एंड एवरी कुछ इमोशनल के पार्ट हैं तो आप यूजुअली देखिए कि पहले एकेडमिक इंटेलिजेंस फिर इमोशनल इंटेलिजेंस फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवहार को समझने का मौका हमें मिला है वैसे वैसे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हमने व्यवहार को एक इंटीग्रल वे में समझने की कोशिश की है तो इस तरीके से ब्रेन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम जानते हैं कि जो आ, स्टार्टिंग से जो जहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है स्पर्म और ओवम से वहाँ का जो एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उसके बाद जैगोट का बनना उसके बाद किस तरीके से एक मोरूला स्टेज में आना यानी कि एक रिपीटेड सेल डिवीजन के माध्यम से एक 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 ग्रुप ऑफ सेल्स का बनना है ना और सिक्सटींथ डे ऑफ जो कंसेप्शन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूरल प्लेट का बनना न्यूरल प्लेट के बाद एक न्यूरल फोल्ड का बनना जिसको हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं न्यूरल ग्रूव का बनना और उसके बाद उस न्यूरल ग्रूव में हम यदि देखें तो ब्रेन का और आप यदि किसी भी जैगोट को और आप किसी भी फीटस को यदि आप उसके आकृति को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऊपर में एक एक हल्का सर्कल नुमा और एक फिर उसके बाद एक पूछ नुमा आपको आकृति दिखेगी इसलिए हमारे लिए एक आस्पेक्ट यह है कि आ, 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 जो पार्ट है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का किस तरीके से न्यूरल ट्यूब के माध्यम से किस तरीके से इसकी संरचना होती है और खास करके ब्रेन में चाहे वो फोर ब्रेन हो या मिड ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो चाहे अग्र मस्तिष्क का भाग हो या मध्य मस्तिष्क का भाग हो या पश्चिम मस्तिष्क का भाग हो ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होते हैं और ख़ास करके जो ब्रेन के डेवलपमेंट के दरमियान हमारे देखते हैं कि बहुत सारे एबनॉर्मलिटी भी ब्रेन में आ जाती है जैसे हाइड्रोसेफेलस के टर्म में हाइड्रोसेफेली या माइक्रोसेफेलस के टर्म में या एन के टर्म में या स्पाइना बाइफाइडा के टर्म में बहुत सारे आपको देखेंगे कि इस तरीके से यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट में यदि थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी हुई तो कभी आ, आ, इसका ब्रेन की आकृति का बढ़ जाना कभी ब्रेन की आकृति की आवश्यकता से ज़्यादा छोटा हो जाना इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यह है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से ब्रेन का नर्चरिंग और जो कॉग्निशन का जो एक एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता कैसे है इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें क्योंकि जो न्यूरोसाइंस हैं उनके जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं क्योंकि हमेशा वो डिवीजन पे बेस्ड है आप जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके ब्रेन की आकृति छोटी रहती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है ब्रेन के साइज में आ, आ, उस, बढ़ता जाता है ब्रेन का साइज़ यानी कि न्यूरल कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं और उसके बाद न्यूरल कनेक्शंस के बढ़ने के आधार हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस होंगे हम उतने ही इंटेलिजेंट होते जाएंगे तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो किस तरीके से न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूरोसाइंस ने और उनकी स्कैनिंग जो मैकेनिज्म हैं जो स्कैनर्स जितने भी हैं जो स्कैनिंग टूल्स जितने भी हैं उन टूल्स ने हमें ब्रेन के डायनेमिक्स को समझने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है हम जानते हैं कि ब्रेन जो चाहे वो राइट right ब्रेन हो या लेफ़्ट ब्रेन हो जो सिमेट्रिकल है है ना जो सिमेट्रिकल जो सिमेट्रिसिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम यूजुअली देखते हैं कि ब्रेन के लेटरलाइजेशन की बात करें कि किस लेट्रल का, का काम क्या काम है किस भाग का कौन सा दाएं भाग का क्या कार्य है बाएं भाग का क्या कार्य है कौन से इलेक्ट्रल्स का क्या कार्य है सीमेट्रिसिजम कितना है बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल तो नहीं है इस तरीके से हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके न्यूरॉन और न्यूरॉन का जो कनेक्शन है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आ, सूचना को पहुंचाना दूसरे से तीसरे में पहुंचाना तीसरे से चौथे में पहुंचाना आप देखते होंगे कि आपके पैर में यदि कांटा चुभ जाए तो आपका इमीडिएटली मस्तिष्क से पहुंच जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप समझिए कि सुपर कंप्यूटर से भी वो तेज है तो किस तरीके से ये गतिविधि होती है और इसमें कौन कौन से मैकेनिज़्म कार्य करता है तो हमारे लिए एक आस्पेक्ट ये है कि हम ये इसको समझें कि Uh, इसके न्यूरॉन न्यूरॉन के के फीचर और उसके साइनिप्स साइनिप्स में जो रिले स्टेशन है खास करके जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं ट्रांसमिशन सेंटर कहते हैं तो ये जो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन uh, से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इस तरीके से और जो इनका कंट्रोल भी होता है वो कभी पेरीफेरल कंट्रोल से लेकर के सेंट्रल कंट्रोल दोनों कंट्रोल्स होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हम न्यूरोसाइंस ने ये समझने का समझाने का और हमारे बिहेवियर में जो एक एस्पेक्ट्स है इसको एक बेहतर तरीके से समझाने का कार्य किया है हम ये जानते हैं कि कुछ जो जो हमारे जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो हमारा जो सेरेब्रम है या जो सेरेबलम है जो मस्तिष्क है मस्तिष्क के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रालेट्रल होते हैं मीन्स क्या कि राइट right, लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट right को कंट्रोल करता है राइट right हैंडेड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर यदि देखा जाए तो लेफ्ट डोमिनेंट होते हैं और जो लेफ्ट डोमिनेंट ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो यूजुअली यदि देखा जाए तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रालेटरल है यानी कि जो राइट right हैंडेड उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होना और जो लेफ्ट हैंडेड उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट होना ज़्यादातर लोगों में तो इस तरीके से जो हैंडेडनेस है कि किस तरीके से हम दाएं हाथ वाले हैं बाएं हाथ वाले हैं हमारा कौन सा हाथ ज्यादा आ, एक्टिव होता है तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो आ, हमारे लिए बहुत ही आस्पेक्ट आ, ये है कि हम इसको समझें कि, कि किस तरीके से ये एक्टिविज्म और ब्रेन किस तरीके से एक्टिव होता है तो आ, एक जो आ, जो कंट्रालेट्रल मीन्स क्या कि आ, उल्टा करना दाएं का बाएं बाएं का दाएं और जो एप्सिलेट्रल यानी कि सेम भाग को बाया भाग बाएं को कंट्रोल करे और दाया भाग दाएं को कंट्रोल करे तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को भी समझने में न्यूरोसाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको कॉन्ट्रालेट्रल और एप्सीट्रल की जाती आज बार बार ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आ, आज बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है आज कनेक्शंस में इतने इंटरप्शन्स हैं तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम आ, आ, ब्रेन के जितने भी हैं चाहे उसके फिजोलॉजिकल सिस्टम की बात हो चाहे उसके एक जो उसका मेटाबॉलिक जो एक डायनेमिक्स हैं उनको हम समझने की हम कोशिश यदि हम करें तो हमारे लिए बहुत ही एक लर्निंग को या किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हमारे लिए एक मदद मिल सकती है जैसा कि जैसा कि आपको बताया गया कि जो न्यूरॉन जो है न्यूरॉन हमारे लिए जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एक हमारे नर्वस सिस्टम का है वो एक देखा जाए तो उसकी पूरी गतिविधि को समझना बहुत आसान बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किसी भी बिहेवियर को किस तरीके से खास करके जब हम न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव में तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के और न्यूरॉन की गतिविधि को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको इससे पहले हम लोगों ने शेयर भी किया कि इसके जितने भी जो जो एक जो उसका बॉडी है जो खास करके जिसको हम यूजअली जो इसका सोमेटिक पोर्शन है जो इसके जो शरीर का जो मुख्य पार्ट है वो पार्ट हमारे लिए एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है खास करके जिसमें ऊपर के पोर्शन में जब हम डेंड्राइट्स जब देखते हैं जब आप एक न्यूरॉन की आकृति को जब देखेंगे तो ऊपर में बहुत सारे ब्रांचेस ब्रांचेस आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और उसके बाद आपको एक पाइप नुमा एक आकृति मिलेगी और उस पाइप नुमा आकृति में अंदर में आप जब देखेंगे तो उसमें एक खास एग्जॉन करके एक, एक खास पर्टिकुलर एक पार्ट होता है और वो एग्ज़ोन जो है और वो किस तरीके से फिर वो एग्जान जो उसके टेल के रूप में फिर वो एक ब्रांचेज के रूप में ये होता है और फिर इस तरीके से न्यूरॉन एक न्यूरॉन किस तरीके से एक का डेंड्राइट दूसरे के एग्जम के साथ किस तरीके से वो कनेक्ट होता है और इस तरीके से एक चेन बना रहता है ना उसी तरीके से जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का एक चेन बना हुआ है तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसको हम समझें कि और उस ट्रांसमिशन के लिए न्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको सैनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चाहे एसिटाइल uh, कोलाइन हो चाहे नॉर एपीनेफ्राइन हो चाहे वो डोपामाइन हो चाहे वो सेरेटोनिन हो चाहे वो गाबा हो जिसको हम गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं चाहे वो ग्लूटामेट हो ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर को रिकिग्नाइज करने में बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में लर्निंग में अटेंशन में इमोशन में और इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को भी समझना क्यों क्योंकि जब बच्चा बहुत ही खुश होता है तो हम यूजुअली देखते होंगे होंगे कि डोपामाइन और जो सेरेटोनिन है वो उसके मूड को और उसके इमोशन को वो फ्लक्चुएट करता है और उसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है तो हम यूजुअली देखेंगे कि कुछ इन्हीविट्री और कुछ एक्साइटेटरी कुछ ऐसे न्यूरो होते हैं जो न्यूरोन को एक्साइट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं एक्साइटेशन के बाद उसको कूल cool और काम करते हैं इस तरीके से दोनों प्रक्रिया में जो एक्साइटेट्री जो एक वो है या फिर जो इनहिबिटरी जो है जो इनहिबिशन क्रिएट करता है जो एक कूल और काम करने का कार्य करता है शांत करने का कार्य करता है एक्साइटेशन को रोकने का कार्य करता, का करता है तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है एक्साइटेशन भी इंपॉर्टेंट है और एक्साइटेशन के बाद यदि देखा जाए तो उसका इनहिबिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम को समझें जिस पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम जानते हैं कि सेंट्रल और पेरीफेरल दोनों होते हैं और दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे सेंट्रल में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड हो चाहे पेरीफेरल में क्रेनो स्पाइनल हो चाहे वो विसरल हो चाहे वो क्रेनियल uh, हो स्पाइनल हो पैरासिम्पैथिक हो या सिंपैथेटिक हो जितने भी ये एस्पेक्ट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जिस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल लर्निंग में और ब्रेन के डायनामिक्स को समझने में uh, एक मेजर रोल प्ले करता है इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो है स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही है लर्निंग में और ख़ास करके न्यूरोसाइंस के लिए यूजुअली हम देखते हैं जो हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्पाइनल uh, नर्व्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो जिनकी संख्या थर्टी वन पेयर्स होती हैं जिसमें खास करके चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे वो थोरेकिक हो चाहे वो लंबर हो चाहे वो सैक्रल है चाहे वो कॉकिक्स हो ये जो थर्टी वन पेयर्स हैं ये थर्टी वन पेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को भी समझना और स्पाइनल कॉर्ड की गतिविधि को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यदि हम न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव को न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव को यदि हम आ, समझने की यदि कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत ही आ, एक ब्रेन ब्रेन के पार्ट ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का जो एक जो फाइन से फाइन जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर न्यूरॉन और न्यूरॉन के कनेक्शन कनेक्शन किस तरीके से होते हैं ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ब्रेन के चाहे जितने भी पार्ट हैं चाहे वो फोर ब्रेन हो चाहे वो हिंड ब्रेन हो चाहे वो मिड ब्रेन हो सारी जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो लर्निंग में रोल प्ले करता है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनको ये समझें कि ब्रेन को किस तरीके से हम हेमिस्फेयर्स में बांटते हैं किस तरीके से हम लोब्स में बांटते हैं और ईच एंड एवरी लोब्स का ईच एंड एवरी जो वो खंड है उसका अपना एक अलग फंक्शन है ईच एंड एवरी फंक्शन का जो लोभ है उसका अपना एक अलग से स्पेशलाइजेशन है तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ये समझें कि जो फ्रंटल लोभ है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो प्रशासक का रोल प्ले करता है जो प्रशासकीय रोल प्ले करता है इस तरीके से वो जो फ्रंटल लोब है वो जजमेंटल वो इनसाइट, इंपल्स को कंट्रोल करने का कार्य एब्स्ट्रैक्शन करने का कार्य अमूर्त अमूर्तिकरण का कार्य प्लानिंग का कार्य ये सारा कार्य हमारा फ्रंटल लोब करता है तो फ्रंटल लोब जो कि हम जानते हैं कि टोटल ब्रेन का 40 परसेंट रोल 40 परसेंट पार्ट है वो यदि यदि देखा जाए तो फ्रंटल लोब हमारे लिए हाइयर कॉग्नेटिव प्रोसेसेस के लिए जो उच्च लेवल का जो उच्चतर लेवल की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसके लिए फ्रंटल लोब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस तरीके से जो हम यूजुअली देखते हैं कि जैसे जैसे हम ब्रेन का जब एक स्ट्रक्चर का स्टडी करें तो ब्रेन खास करके बैक से जब हम आगे की तरफ बढ़ें तो पहले बैक पोर्शन मैच्योर्ड होता है और फिर धीरे धीरे वो फ्रंट पोर्सन मैच्योर होता है हम जानते हैं कि जो फ्रंटल लोब है फ्रंटल लोब बेसिकली टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं इसी वजह से उनका इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता है और हम यूजुअली देखते हैं कि एक टीन एजर्स आपको लगेगा कि ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते हैं वो डिसिप्लिन वो बेसिकली अभी उनके सॉफ्टवेयर में कुछ कभी अभी कुछ कमी है लेकिन जैसे ही वो इंटरकनेक्टेड हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एक एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए एक देखने की जरूरत है कि एक एडोलेसेंट को किस तरीके से डील जहां पे हम देखते हैं कि जब उनके स्ट्रक्चरल लेवल पे या फंक्शनल लेवल पे अभी यदि कुछ लैकिंग है तो हमें किस तरीके से हैंडल विद केयर करने की जरूरत है और हैंडल विद केयर है क्योंकि हम जानते हैं कि एडोलेसेंट को हैंडल विद केयर के रूप में ही हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यदि हम उसे बहुत ही स्टबर्न से या बहुत यदि हम उसे बहुत अधिक रूप से हम यदि उसे हम कंट्रोल करेंगे तो वो उसके टूटने की संभावना बन जाती है तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो द द टीन एज ब्रेन जो डॉक्टर फ्रांसिस जेंशन की बुक है उसमें बखूबी उन्होंने ये किया है कि किस तरीके से एक एडोलसेंट बिहेवियर क्यों एंटायरली डिफरेंट होता है और हमें यह लगता है कि वो एक वो बदतमीजी कर रहा है या वो अनुशासनहीनता कर रहा है लेकिन वो बेसिकली क्या है कि वो अभी अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वो पोर्शन अभी उतना डेवलप्ड नहीं है इसलिए आपको लगेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं उसके लिए हमें ग्रेजुअली धीरे दीर धीरे एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के माध्यम से स्टिमुलेशन के माध्यम से उसको कन्विंसिंग के माध्यम से हमें उसके सामने व्यवहार का मॉडल रखना चाहिए कि ताकि धीरे दीर धीरे उसके कनेक्शन बनते जाएंगे तो इस तरीके से यदि हमें देखा यदि देखना हमें यदि हमें यदि इसको हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो फ्रंटल लोब है और जो पेरिएटल लोब है जो बैक में टॉप पे है जो हमारे मूवमेंट और सेंसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टेम्पोरल लोब है जो हमारी इस दोनों साइड में है जो इमोशन सेक्सुअलिटी लैंग्वेज ऑडिटरी खास करके जो टेम्पोरल लोब का, का काम जो है दोनों साइड में ये एक लैंग्वेज के प्रोडक्शन में इमोशन को के कंट्रोल में किस तरीके से सेक्सुअलिटी के कंट्रोल में किस तरीके से ये रोल प्ले करता है और जो ऑकेपिटल जो लोब है जो बैक में है हमारे जो जो विजुअल एरिया है जो विजुअल कॉर्टेक्स जिसके अंतर्गत है तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रेन के लोब्स को समझें उनके सारे जो मेजर कॉर्टेक्स हैं चाहे ऑडिटरी कॉर्टेक्स हो जो कि टेम्पोरल लोब में है विजुअल कॉर्टेक्स हो जो कि जहाँ से देखने के लिए हम स्टिमुलेटेड होते हैं जो ऑकेपिटल हो चाहे मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेक्स हो जो पेरिएटल जो ये जो लोब है इस तरीके से हमें देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन को यदि हम और ज़्यादा ये करें तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि अब हम ब्रेन को समझें कि ब्रेन के कितने हेमिसफेयर्स होते हैं क्योंकि ब्रेन बेस्ड लर्निंग या जो न्यूरो साइंस का जो आस्पेक्ट है उस आस्पेक्ट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है समझना कि हम ये समझें कि किस तरीके से राइट right हेमिसफेयर और किस तरीके से लेफ्ट हेमस्फेयर जो राइट right ब्रेन है और जो लेफ्ट ब्रेन है और किस तरीके से कॉर्पस जो कॉलेजम है वो किस तरीके से दोनों को इंटरकनेक्ट करता है तो कॉर्पस कोलाज्म का दोनों का इंटरेक्शन करना इस इंफॉर्मेशन को इधर देना और इधर की इंफॉर्मेशन को इधर देना यानी कि एज ए होल वर्क करना तो जो सेरेब्रम है जो सबसे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है जो लार्जेस्ट पार्ट है जिसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी कहते हैं और इसी के आधार पे हम हेमिस्फेरिक प्रेफरेंस की बात करते हैं कि हम किस हेमस्फेयर को ज्यादा प्रेफर करते हैं कौन हमारे लिए ज्यादा सहज है किसका प्रयोग करना ज्यादा सहज है या कौन सा हेमिस्फेयर डोमिनेंट है डोमिनेंस किसका है तो क्या जो राइट डोमिनेंट होगा उसका क्या बिहेवियर होगा और जो लेफ्ट डोमिनेंट होगा उसका क्या बिहेवियर होगा और जो एमबी डोमिनेंट होगा यानी कि जो जिनका दोनों पे इक्वल वो है वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा तो जो सेरेब्रम है सेरेब्रम को समझना डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स जिसको हम यूजुअली हम जानते हैं कि ये आ, जो कनेक्टेड थ्रू कार्पस्कोलाजम के थ्रू ये हो रहा है है ना और जो उसके ऊपर का जो पार्ट है वो यूजुअली भूरे कलर का होता है अपर पार्ट जो है वो ग्रे इन कलर होता है ड्यू टू क्यों क्योंकि वो नर्व सेल के बॉडीज की वजह से क्योंकि नर्व सेल के बॉडीज में यदि आप देखें और जो एग्जन पे यदि आप देखें तो एक्जन पे एक खास तरीके का माइलिन शीड होता है माइलिन शीड होता है जो एक खास तरीके का फैट होता है जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स को या उस एनर्जी को ट्रांसमिट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसका कलर व्हाइट होता है लेकिन जब आप ऊपर के सोमेटिक पोर्शन को देखेंगे तो उसका जो कलर है वो ग्रे कलर होता है इसीलिए हम ब्रेन में ग्रे, ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात करते हैं तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात करते हैं इस तरीके इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि हम ये देखें कि सेरेब्रम का जो डीपर पार्ट है डीपर पार्ट किस तरीके से रोल प्ले करता है क्योंकि जब हम अपर पार्ट जब देखते हैं कि जो ग्रे मैटर है और जो हम जैसे डीपर जाते हैं वो उस तरीके से क्योंकि वो फिर वो एक्जन का पार्ट है जो कि मायलन शीद से कवर्ड है तो वो एक वाइट का पोर्शन है तो इस तरीके से जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर यानी कि जितने अधिक कनेक्शन होंगे उतना वो ग्रे मैटर होगा और जितने अधिक कनेक्शन होंगे उतना आपके पास हैट्रोजीनियस टाइप्स के बिहेवियर होंगे उतना अधिक कनेक्शन होंगे उतने अधिक आप इंटेलिजेंट होंगे उतने अधिक आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन के प्रति आप इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम जो बिहेवियर करते हैं खास करके जो सेरेब्रम है वो सेरेब्रम का काम जो है खास करके सेंसरी परसेप्शन करना कंट्रोल ऑफ जो वॉलेंट्री जो मशल है जिसका हम खास करके जिसपे हमारा कंट्रोल होता है जो ऐच्छिक क्रियाएं जो भी हैं तो ऐच्छिक का जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना और इस तरीके से और एक उसमें खास करके एक लिम्बिक नेटवर्क होता है लिम्बिक सिस्टम होता है जो खास करके एमिकडाला हिपो कैंपस हाइपोथैलमस पीट्यूटरी ग्लैंड इन सब का एक नेटवर्क होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं और लिम्बिक सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है लर्निंग में मोटिवेशन में मेमोरी में तो लिम्बिक सिस्टम को भी समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से हमें सेरेब्रम को समझना और जो डायनसेफेलस है खास करके जो इसके थैलेमस और हम भी कहते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस को समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है न्यूरोसाइंस में तो इस तरीके से एक आस्पेक्ट्स को समझते हुए कि ब्रेन का सारा फंक्शन ब्रेन का सारा एक ये करना एक ब्रेन को कंप्लीट स्कैनिंग करना ब्रेन के जितने भी जो उनके मोलर और जो मोलिकुलर पार्ट्स हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बाद यदि हम देखें तो खास करके जो सेरेबलम है सेरेबेलम भी एक जो कोऑर्डिनेशन ऑफ इनवॉलेंट्री जो मसल मूवमेंट को करता है और हमारे पोस्चर को हमारे मूवमेंट को हमारे संतुलन को इक्विबेरियम को हमारे बैलेंस को वो बनाने का कार्य करता है इसलिए हमारे लिए सेरेबेलम भी एक मेजर रोल प्ले करता है किस तरीके से हम अपने आप को बैलेंस बनाए तो चाहे वो सेरेब्रम का पार्ट हो सेरेबेलम का पार्ट हो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो चाहे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जिसमें पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक का सिंपैथेटिक का काम है एक्सेलरेट करना हमारे इमोशन को बढ़ाना हमारे स्थिति को जागृत करना एक्साइट करना न्यूरॉन को और पैरासिम्पैथिक का मतलब है उसको काम करना कूल cool करना तो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक ये दोनों एस्पेक्ट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना और इस संदर्भ में अब जो न्यूरोसाइंस का जो एडुकेशनल इंप्लीकेशन है हमारे लिए ब्रेन के असिमेट्री को समझना और सिमेट्री को भी समझना कि ब्रेन के जो दोनों हार्वस हैं वो किस तरीके से क्या कुछ सिमेट्रिकल भी हैं और कुछ असिमेट्रिकल हैं जिस पार्ट को आप बहुत ज्यादा वर्क करेंगे जिससे ज्यादा आप कार्य लेंगे तो उसमें न्यूरॉन के कनेक्शंस उतने बढ़ जाएंगे और वो पार्ट बढ़ जाएगा वो पार्ट जो है वो पार्ट का साइज लिटिल बिट उस साइज की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसका आप कम प्रयोग करते हैं तो आप यूजुअली देखते होंगे कि जो राइट right डोमिनेंट होगा उसको डेफिनेटली राइट right जो ब्रेन का जो पार्ट है वो ज्यादा होगा ज्यादा बड़ा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी साइज में नहीं लेकिन न्यूरॉन के कनेक्शंस में उनकी संख्या ज्यादा होगी और जो लेफ्ट डोमिनेंट होगा डेफिनेटली लेफ्ट उसका पार्ट ज्यादा ये होगा इसलिए आपकी आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेन का सेमेट्री ब्रेन का लेटरलाइजेशन यानी कि कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है राइट right क्या करता है लेफ्ट क्या करता है और खास करके हम यूजुअली जानते हैं कि दो पार्ट जो हमारे हैं ब्रोका और जो वर्निके जो ब्रोका जो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और वर्निके एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ये जो ब्रोका और जो वर्निके एरिया है आप यूजुअली देखेंगे कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर में है वो लैंग्वेज को एक ब्रोका एरिया जो है जो स्पीच प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है और जो वर्निके एरिया है जो कि स्पीच को कॉम्प्रीहेंड करने में यानी कि एक भाषा एक एक स्पीच का निर्माण करने में प्रोड्यूस करने में दूसरा स्पीच को समझने में तो हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि जो हेमिस्फेरिक लेट्रलाइजेशन है कि एक लेट्रल का क्या कार्य है एक भाग का क्या कार्य है दूसरे भाग का क्या कार्य है और हेमिस्फेरिक डोमिनेंस हेमिस्फेरिक डोमिनेंस का मतलब कि कौन सा पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझें कि या ब्रेन आसमेट्री का हो ब्रेन लेट्रलाइजेशन का हो या ब्रेन के जो डोमिनेंस का हो हमें यह समझना पड़ेगा हम जानते हैं कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादा एनालिटिकल है वो ज्यादा विश्लेषण करता है वो ज्यादा तर्क करता है और वो पार्ट्स को रिकेग्नाइज करने में बहुत ही होशियार होता है और इस तरीके से यदि हम देखें कि वो लीनियर तरीके से सोचता है एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक यानी कि वो क्रम में रखना ज्यादा पसंद करता है वो सीक्वेंस में रखना ज्यादा पसंद करता है वो एफिशिएंट होता है किसी भी वर्बल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेफ्ट हेमोस्फेयर है उसमें ब्रोका और वर्णिके का जो एरिया है वो स्पीच प्रोडक्शन को भी स्पीच स्पीच uh, को अंडरस्टैंडिंग में भी वो मेजर रोल प्ले करता है तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो स्पीच के एनकोडिंग में और स्पीच के डिकोडिंग में वाणी के को एनकोड करने में और डिकोड करने में दोनों में लेफ्ट ब्रेन ज्यादा होशियार होता है और इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लेफ्ट ब्रेन है वो बेसिकली वर्ड्स को लेटर्स को नंबर्स को एक्सटर्नल स्टिमुलस के बारे में बायो दीपक के प्रति वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो पिक्चर के माइन्यूट कंपोनेंट को देखने में बहुत होशियार होता है अब आप इमेजिन कीजिए कि जो लेफ्ट डोमिनेंट जो जो लर्नर है वो किस तरीके का उसको एक्सरसाइज चाहिए किस तरीके का अभ्यास उसे चाहिए वो किस तरीके के लेसन को लाइक like करेगा किस तरीके के क्लासरूम एनवायरनमेंट को लाइक like करेगा यानी कि उसको यदि आप एक आउटलाइन लिखवा दें लेसन का जिसमें एक कंप्लीट सिक्वेंस लिखवा दें तो वो ज़्यादा पसंद करेगा यानी कि आपको गेज करना पड़ेगा आपको एक आ, आ, असेस करना पड़ेगा एटलीस्ट कि हमारे बिहेवियर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन से हमारे क्लास में लर्नर लेफ्ट हेमिस्फेरिक हैं और कौन से राइट हेमिस्फेरिक हैं तो इस तरीके से आप उनको ये कह सकते हैं कि वो व्याख्यान सुनने में उनको बहुत ज्यादा मजा लगेगा क्योंकि वो स्पीच को डिकोड कर सकते हैं इनकोड करते हैं उनको पजल वॉक करना रीजनिंग करना लॉजिक करना उनको बहुत पसंद आता है तो आप इमेजिन आप कीजिए कि लॉजिक रीजनिंग वो प्रिय होते हैं तर्क प्रिय होते हैं तर्कशील होते हैं इस तरीके से यदि देखा जाए तो आपको वो अमूर्त जो उसका जो व्यवहार होगा या जो अमूर्त चिंतन होगा अमूर्त चिंतन में वो बहुत होशियार होते हैं वो इंडिविजुअल असाइनमेंट यूजुअली वो हम ज्यादातर देखते हैं जो तर्कशील होते हैं ज्यादातर वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्यों क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन होगा उसमें एक इनहिबिशन क्रिएट करता है तो वो इंडिविजुअल वर्क करना ज्यादा पसंद करेंगे क्लास में वो बहुत ज्यादा शोरगुल पसंद नहीं करेंगे वो इसीलिए क्योंकि वो लेक्चर जब सुन रहे होते हैं तो उनको यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि आ, एक आ, आ, समझना हमारे लिए इम्पॉटेंट है कि हम क्यों न इस बात के लिए आ, ये करें कि हम पहले एक हेमिस्फेरिक डोमिनेंस को असेस करें असेस करने की कोशिश करें या हम उसके डायनेमिक्स को हम समझने की कोशिश करें इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि एक एज़ ए टीचर हम उनके हेमिस्फेरिक डोमिनेंस के असाइनमेंट उसके डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें उनके रूम को रिलेटिवली वो अपने रूम में शांत रहना क्यों क्योंकि वर्बल इंफॉर्मेशन को ज्यादातर समझने की कोशिश हम करते हैं इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम देखा जाए कि वो कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं सुनना पसंद करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरा ही डिस्कोर्स छिड़ा हुआ है हमारे लिए एक आस्पेक्ट ये है कि हम ये समझें इस बात को कि लेफ़्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन का किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है तो जब हम ये करते हैं कि राइट uh, ब्रेन right का अपना एक डायनेमिक्स होता है वो खास करके वो पैटर्न को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो विजुअल स्पेशल लर्निंग में ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है उसका जो ब्रेन है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उसमें ज़्यादा रुचि लेता है वो तो जो विजुअल स्पेशल जो ये है यानी कि जो दृश्यात्मक है और जो स्पेशल का मतलब ये है कि वो चित्र को के माध्यम से समझना वो आकृति के माध्यम से समझना वो विजुअल डायग्राम्स के माध्यम से समझना या स्पेशियल जहां से इसको स्पेश की जानकारी मिले उस स्पेशल रूप में उसको जानकारी मिलना इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो केवल सेपरेट पार्ट को एनालाइज नहीं करते बल्कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि वो एज ए होलिस्टिकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं एक एक यदि देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ये है कि एस्पेक्ट ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमारे लिए कि हम किस तरीके से विजुअल स्पेशल लर्निंग को कैसे प्रमोट करें किस तरीके से क्योंकि उनकी लैंग्वेज में बहुत कम इंटरेस्ट होती है वर्ड्स में कम इंटरेस्ट होती है भाषा में उनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है भाषा को वो केवल एज ए क्ल्यू के रूप में और विजुअल सिग्नल्स के रूप में वो लेने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से जो एक सेपरेट पार्ट्स को होल के रूप में देखना होलिस्टिकली देखना पिक्चर्स को देखना इस तरीके से वो जब जब आप राइट हेमिस्फेरिक डोमिनेंट लर्नर्स को यदि आप ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो मेन पॉइंट्स को लिखेंगे विजुअल क्लूज को लिखना पसंद करेंगे वो ग्राफ के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से इसके माध्यम से वो ज्यादा लर्न करने की कोशिश करेंगे वो उनके क्लास में आपको व्हाइट बोर्ड चॉक बोर्ड ये सब रखना पड़ेगा क्योंकि उनके विजुअल स्टिमुलेशन जितना आप अधिक देंगे उतना ही वो लर्न कर पाएंगे ग्रुप एक्टिविटी उनको ज्यादा पसंद आती है इसीलिए आपको जब असाइनमेंट देना पड़ेगा तो एज ये प्रोजेक्ट के रूप में आप दीजिए इसीलिए एक इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट ये है कि हम ये समझें कि इस तरीके के लर्नर ज़्यादातर थ्री डायमेंशनल जो थ्री डी जो असाइनमेंट uh, हैं जो प्रोजेक्ट हैं जो रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो विजुअलाइजेशन के माध्यम से विजुअल स्पेशियल लर्निंग के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से लर्निंग बाय केवल ऑडिशन uh, नहीं लर्निंग बाय सीइंग लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से लर्निंग कलरिंग क्योंकि कलर उनको बहुत पसंद है का कंट्रास्ट उसको बहुत, उनको बहुत पसंद है इसीलिए वो ज्यादातर इस तरीके के लर्नर जो होते हैं ज्यादातर वो क्रिएटिव भी होते हैं तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूजुअली ज्यादातर देखे होंगे कि ऐसे बच्चे जो राइट हमे स्फेरिक होते हैं वो ज़्यादातर इमोशनल होते हैं और वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जैसे लगता है कि रोलर कोस्टर पे वो होते हैं आपको उस समय लगेगा कि वो बहुत अच्छा लर्न कर रहे हैं बहुत अच्छा लेकिन ऐसे बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको लगता है कि अब सारी चीज़ों को रिकॉल करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्यों क्योंकि जब वर्ड के माध्यम से उसे जब वो लर्न करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि लर्नर के डायनेमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप लर्नर के डायनेमिक्स को आप नहीं समझेंगे तब तक आप उनके हेमिस्फेरिक डोमिनेंस को असेस किए बिना आप उनके लिए लर्निंग अच्छा नहीं कर सकते हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हमारे लिए इसके बाद ये समझना कि ब्रेन के कुछ वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम खास करके ब्रेन का एक वेव का एनालिसिस करते हैं क्योंकि जैसे ही एनर्जी का फ्लो जब होता है एक नर्वस न्यूरॉन में और सैनेफिस के थ्रू जब ट्रांसमिशन होता है तो एक खास उस एनर्जी इंपल्स के माध्यम से एक उस ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से एक खास तरीके का एक वेव निकलता है और ब्रेन का जो वेव है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जिसको हम ब्रेन वेव्स भी कहते हैं जो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ज़्यादातर न्यूरॉन्स के मासेज से निकलता है जब न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जब इंटीग्रेट होता है तो एक खास तरीके का वेव्स निकलता है जो एक दूसरे से फिर वो कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल इंपेंसेज एक खास तरीके का वेव्स को प्रोड्यूस करता है तो ब्रेन के वेव को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन के वेव्स को समझना जिसमें खास करके जो पांच तरीके के जो वेव्स हैं उसमें जो डेल्टा वेव्स थीटा वेव्स अल्फा बीटा और गामा यानी कि डेल्टा थीटा अल्फा बीटा और गामा ये जो फाइव वेव्स हैं इन वेव्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इस बात को हम समझें कि किस तरीके से हम ब्रेन के वेव्स को हम समझें ब्रेन के वेव्स के माध्यम से किस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग ये करें कि कौन सा टीचिंग लर्निंग कौन सा ब्रेन का स्टिमुलेशन कौन से टाइप वो एक खास तरीके का वेव प्रोड्यूस करेगा और क्योंकि ये जो वेव है ये वेव को समझना क्योंकि नहीं तो लर्नर को वो पर्टर्व करता है यूजुअली हम देखते वो कि जो डेल्टा है क्योंकि हम किसी भी ब्रेन वेव्स को हम हर्ड्स में, में मेजर करते हैं यानी कि एक सेकंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट करता है तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो जो वन से थ्री हर्ड्स क्योंकि वेव्स को हम हर्ड्स में यूजली मेजर करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को तो ये जो वन से थ्री हर्ट्स जो है वो यूज यूजअली ये डेल्टा वेव्स है जबकि हम जब बहुत ही गहरी निद्रा में होते हैं उस समय जो ब्रेन से जो जो वेव्स निकलता है वो उसका केवल आप देखेंगे कि कम से कम वन से थ्री हर्ट्स का मतलब है कि एक सेकंड में मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको केवल वन सेकेंड लगता है यानी कि पर साइकिल जो है जो साइकिल पर सेकेंड यानी कि एक साइकिल एक सेकेंड में यानी कि यदि थ्री साइकिल पर सेकेंड में यानी कि उसका थ्री हर्ट्स इस तरीके से यदि देखा जाए तो डेल्टा जो है जिसका जो वेव्स का जो, जो जो जिसकी फ्रिक्वेंसी है वन से लेकर के थ्री हर्ट्स वो डेल्टा वेव्स है तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब तो ब्रेन से वेव्स निकलता है और थीटा वेव जो कि एक जब हम एक लाइट मेडिटेशन में जब खास करके जब हम जो रैपिड आई मूवमेंट जब हम एक दिवास्वप्न स्वप्न में जब आंखें बंद रहते हैं लेकिन दिमाग हलचल में रहता है तो उस समय फोर से लेकर के सेवन हर्ट्स तक ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है जब हम वेरी रिलैक्स्ड होते हैं उस समय में यूजुअली हमको लगता है कि ना हम जग रहे होते हैं ना सो रहे होते हैं स्पिरिचुअलिटी का यूजुअली एहसास कर रहे होते हैं हम आंख बंद कर रहते हैं और हम मेडिटेशन में जाने की कोशिश करते हैं अल्फा जब हम एट से लेकर के ट्वेल्व हर्ड्स का जब ब्रेन वेव्स होता है उसे हम अल्फा ब्रेन वेव्स कहते हैं जो खास करके माना जाता है कि ये स्टडी के लिए बहुत ऑप्टिमल है जब हम बिल्कुल कूल रहते हैं शांत रहते हैं जब ब्रेन को एक जितनी एक्साइटमेंट की जरूरत है ब्रेन उतना ही एक्साइटेड रहता है तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जब हम निद्रा में हों तो आसानी से असेस हो सकता है कि हम जब गहरी निद्रा में हों मिस क्या कि ये जब डेल्टा आसान तरीका है डेल्टा वेव्स है जब हम खास करके जब एक हम जो रैपिड आई मूवमेंट जब होता है यानी कि जब हम एक दिवास्वप्न स्वप्न की स्थिति में रहते हैं आंख बंद रहते हैं लेकिन ब्रेन हलचल में रहता है उसमें यूजुअली यदि देखा जाए तो आ, जो थीटा वेव है लेकिन जब हम एकदम बिल्कुल जगे रहते हैं लेकिन एकदम शांत रहते हैं हम मानसिक प्रक्रिया में हम इस तरीके की स्थिति में होते हैं कि जब हमें बिल्कुल एक शांति का आभास होता है तो ये जो अल्फ़ा वेव है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 से ट्वेल्व हर्ट्स है यानी कि ये रिलैक्सेशन का स्टेज है ये इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम यूजुअली ये एक ऐसा वेव है जब हम सबकॉन्शियस माइंड में हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए एक ट्रेजर है खजाना है और इस तरीके से जब बीटा ब्रेन वेव जब होता है वो यूजुअली जब हम बहुत ज़्यादा चेतन की स्थिति में रहते हैं यूजअली थर्टीन से 38 थर्टी एट तक ये होता है ये बहुत फास्टर होता है और ये जो जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं जब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज करते हैं जब बहुत आउटवर्डली होते हैं जब हम बहुत ही वाय उद्दीपक से हम बहुत अभिप्रेरित होते हैं इस तरीके से यदि देखा जाए जब हम बहुत क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं तो ये बीटा ब्रेन वेव रिलीज होता है और जब हम बहुत सबसे एक सेकेंड में जब आप समझिए कि 39 या 42 टू हर्ड्स यानी कि एक जो तरंग है मतलब एक सेकंड में वो 39 बार अप्स एंड डाउन्स करता है आप समझिए कितनी कि ज्यादा हलचल होती होगी यानी कि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो ब्रेन वेव्स के भी माध्यम से ब्रेन वेव्स के भी माध्यम से हम बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं और आप ये समझते हैं कि जैसे जैसे यूजुअली हम यूजअली देखते हैं कि जब हम प्रार्थना जब हम मेडिटेशन जब हम एक शांत क्वाइट टाइम में जब हम रहते हैं जब हम एक शांति की प्रक्रिया से हम जब गुजरने की कोशिश करते हैं तो उस समय यूजअली यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही एक ऐसा मौका रहता है कि हमारा जो ब्रेन है या जो नर्वस सिस्टम है या या जो न्यूरॉन में जो एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ही होता है तो एक लर्नर को किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रखा जाए लर्नर को किस तरीके से ऐसे रखा जाए कि जिसके माध्यम से वो अच्छे से अधिक से अधिक लर्न करें मीन्स क्या कि हमारे लिए आज जितनी भी शिक्षण विधियां हैं या पाठ योजनाएं हैं या विद्यालय से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं उसको मस्तिष्क के सीखने के संबंधी नवीन वैज्ञानिक जो शोध पर आधारित होना चाहिए जिसमें स्पिरिचुअलिटी का भी आपको इनपुट मिलेगा जिसमें आपको मनोविज्ञान का भी इनपुट मिलेगा जिसमें ट्रांसडिसिप्लिनरी आपको मिलेगा क्यों क्योंकि मस्तिष्क केवल लीनियर प्रोसेसिंग नहीं करता है मस्तिष्क एक समानांतर प्रोसेसर की तरह काम करता है अधिगम में हम संवेग तनाव और खतरों की भी भूमिका रहती है उसको समझना उसको गेज करना एक समय में एक केवल एक निर्देश दिया जाए आप ज्यादा निर्देश देंगे तो ब्रेन में उतना ज्यादा टर्बुलेंस होगा लर्नर उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और जब लर्नर कंफ्यूज होंगे तो डेफिनेटली उनके लिए स्थिति बहुत ही खराब होगी इस तरीके से केवल लर्निंग को केवल एक कॉग्नेटिव प्रोसेस नहीं मानना बल्कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी मानना मीन्स क्या कि जब हम शरीर को भी इन्वॉल्व रखेंगे मस्तिष्क के साथ और दोनों को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब जा करके के और ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में हमें ज़्यादातर शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए शारीरिक क्रियाविधि पर ध्यान देना चाहिए जितनी अधिक शारीरिक शारीरिक गतिविधि होगी उतनी अधिक न्यूरॉन के कनेक्शंस बनेंगे और जितना अधिक न्यूरॉन के कनेक्शंस बनेंगे वो उतना ज़्यादा शार्प होगा वो उतना ज़्यादा कुशाग्र होगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना ज़्यादा जो उसका जो लेटेंट जो टैलेंट है वो उतना ज़्यादा ओवर टैलेंट के रूप में फ्लरिश होगा यानी कि केवल और केवल क्योंकि ये इमोशन का भी सवाल समा, समा, है तो एक ये आस्पेक्ट ये होता है कि हम यूजअली हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत ही आस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को गहन सामाजिक अनुभव भी दिया जाना चाहिए और जब तक गहन सामाजिक अनुभव नहीं होगा तब तक संवेग भाव तब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यह है कि हम किस तरीके से एनालाइज करें और किस तरीके से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यह है आज लगता है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज हैं और आज लगता है कि सारी डिस्टर्बेंसेज आज ही आ रही हैं लेकिन एक बहुत ही आस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है कि आज न्यूरो साइंस के इस उसमें तो इस तरीके से हमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से स्कूल में एक दिन के कुल समय में कितना टेन से ट्वेंटी परसेंट भाग शारीरिक क्रियाविधि के लिए ज़रूर रखें जब तक शारीरिक क्रियाविधि के लिए हम नहीं रखेंगे इसका मतलब उन छोटे छोटे बच्चों के साथ जो होगा वो ज़्यादा तनाव में रहेंगे और फिर ज़्यादा तनाव में होने से न्यूरल कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे तो स्कूल में एक दिन में जो कुल समय का जो टेन टू ट्वेंटी परसेंट है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनको फ्री छोड़ देना चाहिए मन चाहे ग्रुप बनाने देना चाहिए जितना अधिक मन चाहे वो ग्रुप बनाएंगे उतना ज़्यादा वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर की तरह एमर्ज होंगे और उतना ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनेगा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शिक्षक का बच्चों से रिश्ता और बच्चों का बच्चों से रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जि किस तरीके से हम बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री कंडीशन में रखते हैं किस तरीके से तनाव मुक्त परिस्थिति में रहते हैं न्यूरो न्यूरोसाइंस कहता है क्योंकि जो आपका हिप्पो कैम्पस है और जो एमिक डैल जो एमिक डैल जो है एमिक डैल और हिप्पो कैम्पस बहुत मेजर रोल प्ले करता है और ये जो संवेग को जो नियंत्रित करता है और आप इमेजिन कीजिए कि यदि निगेटिव इमोशंस होंगे तो वो फिर एक दूसरे डायरेक्शंस में लर्निंग चली जाएगी तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेन बेस्ड लर्निंग या जो न्यूरो साइंस की जो लर्निंग थीरीज़ है ये इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है कि केवल कॉग्निटिविज्म की तरह नहीं और कंस्ट्रक्टिविज़्म की तरह नहीं कि आपको एक नई दिशा दे देनी चाहिए क्योंकि जब आप किसी लर्नर को दिशा देने की कोशिश करेंगे तो जो उसके ब्रेन की जो नेचुरल एक्टिविटी है वो नेचुरल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि लर्नर को एक इस तरीके की कंडीशन में उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करने देना चाहिए और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ लिस्ट इंटरवेंशन के साथ लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये यदि देखा जाए तो आ, आ, जो न्यूरोसाइंस का जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि लर्निंग एक नेचुरल प्रक्रिया है तो इसको नेचुरल कंडीशंस में होने दिया जाए बायोलॉजिकली क्लास को बायोलॉजिकली ड्राइवन भी होना चाहिए स्पिरिचुअली ड्राइवर भी होना चाहिए सोशली ड्राइवन भी होना चाहिए और जितना क्लासरूम के स्पेस को हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सारे डोमिनेंट जितने भी लर्नर्स हैं उन लर्नर्स को एक सही तरीके से हम कैटर करें इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम ये समझें कि, कि किस तरीके से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि ब्रेन बेस्ड लर्निंग या न्यूरो साइंस की जो लर्निंग है वो लर्निंग में हम ये समझें कि ये जो ब्रेन है उसमें पैरेलल प्रोसेसर है सबसे पहली बात लर्निंग जो है वो फिजियोलॉजी को भी एंगेज करता है और जो लर्नर जो मीनिंग की तलाश करता है ये मीनिंग इनेट है एक जन्मजात प्रक्रिया है मीनिंग की तलाश करने का इसलिए वो मीनिंग तो तलाश करेगा ही करेगा और इसलिए ब्रेन प्रोसेस होल एज ए पार्ट दोनों में करता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये दोनों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है सबकॉन्शियस पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करता है और जितना लर्नर को चैलेंज करेंगे लर्नर सिचुएशन लर्निंग सिचुएशन में लर्नर उतना ही अच्छा बनेगा इस तरी इस तरीके से यदि आप देखें तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप न्यूरोसाइंस के सारे पर्सपेक्टिव्स को आप समझने की कोशिश इन सारे एस्पेक्ट्स में करेंगे जब तक आप इसको ये लर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होगी कि आप किस तरीके से एक लर्नर को एक कंडसिव एनवामेंट देंगे क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि इसी तरीके का जब एक स्पिरिचुअलिटी की यदि हम देखेंगे किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को ये इंटीग्रेट uh, करने का काम करता है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को किस तरीके से ये इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि आपने नाम सुना होगा कुंडलनी या uh, जो चक्र है जो चक्र है या जो कुंडलनी है ये कुंडलनी एक हमारे अंदर में एक लेटेंट एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है उस लेटेंट एनर्जी को एक हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है उस पोटेंशियल एनर्जी को कैनेटिक एनर्जी में चेंज करने की जरूरत है और हम जानते हैं कि या तो जो हमारे कुंडलनी या जो चक्राज हैं मीन्स क्या कि जब हम देखते हैं कि जब आप जितने भी सारे जब जो न्यूरॉन सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स में देखते होंगे कि खास जगह पे कनेक्शंस बन जाते हैं खास जगह से क्रॉसिंग्स होती हैं और ख़ास तरीके से क्रॉसिंग्स को जब आप देखेंगे तो वहां पे एक वर्ल्ड पूल बनता है आप वहां पे देखेंगे कि एक एक तरह का एक चक्रानुक्रम आकृति बन जाती है कि एक तरफ से इधर से न्यूरॉन आ रहा है एक इधर से एक नर्वस सिस्टम एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम का इधर से एक फ्लो है और एक इधर से फ्लो है और कहाँ दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए जो आ, जितनी भी कोष हैं चाहे वो अन्नमय कोष हो प्राणमय कोष हो या मनोमय कोष हो या विज्ञानमय कोष हो या आनंदमय कोष हो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें और हम जानते हैं कि ये जो नाड़ी है वो नाड़ी जो वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है और जहां पे रोटेटिंग वर्लपुल बनाता है उसी को हम कुंडलनी कहते हैं और यूजुअली ये सेवन चक्र होते हैं सात चक्र होते हैं और सात चक्रों का अपना एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है चाहे वो अन्न कोष अन्नमय कोष से हो या प्राणमय कोष से हो या वो मनोमय कोष से हो या विज्ञानमय कोष से हो या फिर आनंदमय कोष से हो इस तरीके से ये जो जितने भी चक्राज हैं वो चक्राज या जितनी भी कुंडलनी हैं उन कुंडलनी को भी एक खास तरीके से एक्टिवेट करने की जरूरत है और वो आपके हाथ में है क्योंकि वो आपके अंदर इतना बड़ा ट्रेजर है कि आप उस पर यदि एक बार कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत ही एक परफेक्ट लर्नर होंगे जिसमें हम खास करके जब देखते हैं कि मूलाधार चक्र की हम बात करें चाहे स्वादिष्ठान चक्र की बात करें या मणिपुर चक्र की बात करें या अनहत चक्र की बात करें या विशुद्धि चक्र की बात करें या आज्ञा चक्र की बात करें या सहस्रार चक्र की बात करें ये सारे सेवन जो मेन चक्रास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे जब हम इन तीनों और इन सातों चक्रों की जब हम स्थिति देखेंगे तो कैसे वो एक एनस जेनिटल्स के बीच से लेकर के किस तरीके से वो नेवल कोड के जस्ट नीचे से लेकर के फिर रिव केज के आसपास फिर एक जो हार्ट के आसपास और फिर थ्रोट के आसपास फिर आईब्रो के आसपास जो आज्ञा चक्र है और उसके बाद जो क्राउन एरिया है जो सहस्रार चक्र है इस तरीके से इन सारी कंडीशंस को देखना तब जाकर के आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर कितना इमेंस पोटेंशियल है तब आप अपनी स्थिति को समझेंगे और उस एनर्जी के फ्लो को उस स्मूद को न्यूरो साइंस के जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स से बेहतर तरीके से देखा जा सकता है कि आपके अंदर जो एनर्जी का जो फ्लो है वो कितना चैनलाइज है और वो चैनलाइजेशन के बिना ये नहीं हो सकता है इस तरीके से यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है और खास करके हमारे लिए जब एडुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कुछ मैं वक्त लूंगा बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज हुए हैं जिसमें खास करके यदि हम देखें तो प्रत्येक विद्यालय में एक क्वाइट टाइम जरूर होना चाहिए प्रेयर जरूर होना चाहिए क्यों क्योंकि ब्रेन की इम्यूंस पोटेंशियल है खास करके एक शांत में रहने की प्रे करने की म्यूजिक सुनने की यानी कि प्रत्येक ब्रेन को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है उसमें और म्यूजिक है नॉइज नहीं कोलाहल नहीं इस तरीके से यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एज ए टीचिंग लर्निंग कहीं भी करें तो विद्यालय में एक क्वाइट टाइम चाहे उसको प्रार्थना प्रेयर पीरियड कहें या क्वाइट टाइम कहें यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप क्वाइट टाइम देंगे तो हम जानते हैं कि जो ये जो नर्वस सिस्टम है या जो ये नर्वस सिस्टम या जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इन सारे नर्वस सिस्टम वो नए नए ज्ञान को रिसीव करने के लिए वो रेडी हो जाएगा यानी कि नर्वस सिस्टम में रेडीनेस डालने के लिए एक स्मूद एक क्वाइट टाइम बहुत ज़रूरी है इसीलिए अब आप, आप देखते होंगे कि फॉरेन कंट्रीज में भी इंडिया की तो ट्रेडिशन रही है इवन फॉरेन कंट्रीज में भी अब बहुत सारे विद्यालय में ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन जो ये है जो ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन स्टार्ट किया गया है क्वाइट टाइम के नाम से तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से हम एक विद्यालय को हम किस तरीके से अरेंज करें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मेडिटेशन या एकदम बिल्कुल आप शांत बैठ जाइए बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के आप एक्टिवेट होइए तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी लर्निंग रेडीनेस बहुत बढ़ जाएगी आपका जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा आपका हैप्पीनेस बहुत इंक्रीज हो जाएगा आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी इस तरीके से आपका एंगर का रिडक्शन हो जाएगा आपके क्रोध आपके कम हो जाएंगे आपके गुस्से में कमी आ जाएगी इस तरीके से और आप एज ए टीचर भी आप एक जॉब सेटिस्फाइड एक जॉब सेटिसफेक्शन होगा तो किसी भी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जो एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है या जो एक जो क्वाइट टाइम जो है एक जो शांत समय का जो है जब आप क्लासरूम में भी हैं तो बच्चों को कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत रखिए आप कहिए कि थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेट करो थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत रखिए कि ताकि जो न्यू इंफॉर्मेशन जो दी जाएगी उससे एक खास तरीके का न्यूरल कंडक्शन होगा किस खास तरीके से एक रेडिएशन होगा तो जब आ, आप आ, एक इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल एम्बियंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन के क्योंकि आप जानते होंगे कि जितना ऑर्डरली एम्बियंस होगा जितना एक क्रमबद्ध होगा एक संस्थान का माहौल जितना अच्छा होगा जहाँ पे पेड़ पौधे नेचुरल इन्वामेंट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे नेचर ग्रीन गो ग्रीन का जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी का जो रेडिएशन है जो एनर्जी का जो फ्लो है उसका ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा इसीलिए आप सबसे पहले जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं या जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे एक गो ग्रीन का एक कॉन्सेप्ट जरूर लाना चाहिए कि ताकि बिल्कुल क्योंकि आप पुराने गुरुकुल में देखते होंगे कि प्रकृति के गोद में सिखलाया जाता था क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे मेडिटेशन वहाँ पर डिस्ट्रैक्शनस कम थे तो लर्नर को जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा लर्नर उतना अधिक लर्न करेगा तो इसीलिए एक फिजिकल एम्बियंस को भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम टेबल पर फोकस करें क्योंकि जब तक टाइम टेबल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बच्चा जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आता है तो यूजुअली ब्रेकफास्ट में भी उसे क्या करना चाहिए कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को यह कहना चाहिए कि जिसका जिसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो वही ब्रेकफास्ट लें क्यों क्योंकि जब बहुत ही निद्रा के बाद जब बच्चे उठते हैं या कोई भी उठते हैं तो उनके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है और जब हम कलरी जब देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यही है कि हमारे लिए एक आस्पेक्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि हम खास करके स्टूडेंट के ब्रेकफास्ट पे या स्टूडेंट के मेस में उनको क्या मिल रहा है स्टूडेंट में खास करके घर से वो यूजुअली घर में जो भी अवेलेबल हैं लेकिन खास करके एक ऑरिएटेशन करके एक एक बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ऑरियंट करके कि उनके ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू वाला ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी एनरिच्ड डाइट ज़्यादा चाहिए उस समय और जितना कैलोरी एनरिच्ड डाइट होगा डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा तो इसलिए हमारे लिए टाइम टेबल्स क्योंकि हम मैंने कहा कि जैसे ब्रेकफास्ट करके वो आते हैं उस समय वो फ्रेश रहते हैं तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है जो अमूर्त नेचर का है तो टाइम टेबल में फर्स्ट और सेकंड पीरियड में उसे रखना चाहिए क्यों क्योंकि उस समय उसको एक लर्निंग में उनकी जो एक रिसेप्टिविटी है उस वो जो रिसीव करेगा वो रिसीविंग की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम टेबल के जो न्यूरो साइंस के जो रिसर्चर्स हैं उन रिसर्चर्स के आधार पे हम उसको प्लान करें कि मैथमेटिक्स को कब रखें हम आर्ट्स को कब रखें जो सोशल एक्टिविटीज़ वाले जो वर्क हैं उनको हम कब रखें एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटीज़ वाले को हम कब रखें इस तरीके से बहुत ही इसको प्लान किया जा सकता है म्यूजिक और फाइन आर्ट्स म्यूजिक और फाइन आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम जानते हैं कि म्यूजिक जो है हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है हमारे ब्रेन को सोशलाइज uh, करता है हमारे ब्रेन को और ब्रेन को ही नहीं हमारे शरीर को भी एक, एक इस तरीके से क्योंकि जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली आपका शरीर और शरीर ये दोनों में आपस में एक पूरक संबंध है शरीर और मन में एक बहुत ही पूरकता का संबंध है तो मस्तिष्क जैसे ही एक बेहतर कंडीशन में होगा बेहतर फील करेंगे तो प्रेयर में से लेकर के बच्चों में एक म्यूज़िक के प्रति एक ये कोलाहल का नहीं बहुत हार्ड बीट वाले नहीं और बहुत ही ऐसा म्यूज़िक नहीं जिसमें बहुत ही अधिक आ, आ, वो बीटा जो खास करके वेव्स के, के म्यूज़िक हों ऐसे नहीं अल्फ़ा जो जो, जो, जो वेव्स हैं वो वेव्स माइल्ड म्यूज़िक उनको देना चाहिए कि ताकि उनकी जो उनका जो सैनिप्सिस हैं सैनिप्स की हरकत बढ़ जाए उनमें ट्रांसमिशन अच्छे से होने लगे तो हमारे लिए बहुत ये उपयोगी है कि म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स जिसमें हम तल्लीन हो जाते हैं फ़ाइन आर्ट्स में भी जब आप देखते होंगे कि फिजियोलॉजिकली और मेंटली तल्ली हम तल्लीन हो जाते हैं और जब हम दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस तरीके से हम प्लान आउट करें तो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों चाहे वो टीचर हों चाहे वो पेरेंट्स हों न्यूरो साइंस के इंप्लीकेशन को जो खासकर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में था तो उनको केवल फिलोसफी के आधार पे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था लेकिन आज यदि देखा जाए तो आज इनकी रीवैलिडेशन हुई है ट्रांसडेंटल मेडिसिन आज और जो मेडिटेशन है वो आज इसकी फिर से इसकी सार्थकता बढ़ गई है प्रेयर की सार्थकता फिर से बढ़ गई है एक गो ग्रीन या जो एक नेचुरल एम्बियंस में किस तरीके से बच्चों को रख करके स्टडी करवाया जाए जिससे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हो और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ट्रांसडक्शन uh, होता है जिस तरीके से कंडक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके क्लासरूम का जो पेडागॉजिक इंटरवेंशन है कि क्लासरूमिंग सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है हम थोड़ा सा यह देखें कि हेमिस्फेरिक डोमिनेंस किस तरीके से यह है और आ, किस आ, आधार पे हम इसको क्लासरूम को अरेंज करें कहाँ पे किनको बिठाएं किनको आगे बिठाएं किनको पीछे बिठाएं किनका विजुअल स्टिमुलेशन अच्छा है किनका ऑडिटरी स्टिमुलेशन अच्छा है किसका किनेस्थेटिक स्टिमुलेशन अच्छा है इस तरीके से जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है उसके आधार पर हम क्लास को हम अरेंज कर सकते हैं क्लास को हम इस तरीके से कर सकते हैं और जो जेंडर स्पेसिफिक भी बहुत सारे ये हैं क्योंकि हम यूजली देखते हैं कि जो एक फीमेल ब्रेन में खास करके इमोशंस को एक रिकोगनाइज करने का एक आउटस्टैंडिंग एक उनके अंदर फीचर होती है तो एक खास करके हम कौन सा स्टिमुलेशन किन को दें जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस ना आ जाए इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है और हम जब बच्चों को यूनिफॉर्म दें यूनिफॉर्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है खास करके कि किस तरीके से एक यूनिफॉर्म बच्चों में आप यूजली देखते होंगे कि आ, आप देखते होंगे कि एक सेकेंडरी स्कूल का जब आप एक एनालाइज करें या जब आप मिडिल स्कूल का जब एनालाइज करें तो एक खास ग्रुप ऑफ बच्चा बहुत नोटोरियस होता है क्यों क्योंकि वो अपने आप को फिट नहीं पाता है उस विद्यालय सिस्टम में क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि हमारा विद्यालय सिस्टम जो है वो ज्यादातर लेफ्ट डोमिनेंट विश्वविद्यालय विद्यालय सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एक बिल्कुल हम एक लीनियर फॉर्मेट में हमने विद्यालय को रखा है कि इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा लेकिन अभी मेजीन कीजिए कि इसको यदि एक का एक फ्लेक्सिबल मॉडल का बनाया जाए एक इस तरीके का यदि बनाया जाए तो डेफिनेटली बच्चों की लर्निंग जो अचीवमेंट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी आशा है कि आ, मुझे आप लोग सुन पा रहे होंगे क्योंकि आज लाइट के डिसकनेक्ट हो जाने से बहुत ही प्रॉब्लम है बहुत ही डिसरप्शन हुआ है तो इसलिए जो हम लोग जो जिक्र कर रहे थे कि न्यूरो साइंस का जो एडुकेशनल इम्प्लीकेशन है आ, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम खास करके ये समझें कि आर्ट जो आप देखते होंगे कि जब से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से आर्ट का अस्तित्व रहा है यानी कि आर्ट हमारे ब्रेन का एक इनेट एक पोटेंशियल है एक इनेट एबिलिटी है तो आर्ट के थ्रू हम किस तरीके से एजुकेट करें स्पीच जो है स्पीच किस तरीके से हमारे अब जेनेटिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है और उसमें भी खास करके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि जो जो मेल और जो फीमेल जो ब्रेन्स हैं वो एक यदि देखा जाए तो आप देखते होंगे कि यूजुअली फीमेल में बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत आउटस्टैंडिंग होती है उनके प्रोनउंशिएशन और उनका वो बहुत ही एक शानदार होता है और इसका मतलब क्या है कि जो जो फीमेल ब्रेन है वो दोनों राइट right ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच बहुत अच्छा एक कनेक्शंस होते हैं बहुत अच्छा उनके बीच एक सामंजस्य और एक समन्वयन होता है यानी कि जो इंटर कनेक्शंस होते हैं वो इंटर कनेक्शंस जो हैं फीमेल ब्रेन्स में ज़्यादा होते हैं जबकि यदि देखा जाए तो जो मेल ब्रेन है उसमें इंट्रा जो कनेक्शंस हैं जो इंट्रा हेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन है यानी कि एक ही हेमिस्फेयर के जो विद इन जो एक वो है जो कम्युनिकेशन है वो एक आउटस्टैंडिंग एक कम्युनिकेशन होता है तो इसलिए आप जब देखेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप बच्चे का जब आप नर्चरिंग करें जब उनका आप पोषण करें तो न्यूरो साइंस के माध्यम से जो जितने भी एक रिजल्ट आए हैं की भाषा के संदर्भ में हो या संवेग की ट्रेनिंग के संदर्भ में हो या फिर जो इंटेलिजेंस के कंसेप्शन को अंडरस्टैंड करने में हो या बुद्धि का जो की जो अवधारणा है उनको समझने में आ, जो है इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जानते हैं कि आ, बच्चे आ, खास करके जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद ही उनका जो क्राइंग है वो क्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे वो चिल्लाना स्टार्ट करते हैं रोना स्टार्ट करते हैं जब वो रोते हैं तो डेफिनेटली वो पहले अपनी मदर पे डिपेंडेंट थे जन्म लेते ही अब वो उनको अपने लंग्स पे डिपेंडेंट रहना है ऑक्सीजन का इंटेक लेना है और आप जानते हैं कि एक एक सेकेंड उनकी उसके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें थोड़ा सा भी यदि डिले हुआ उसके क्राइंग में तो डेफिनेटली एक का एक ऐसा होगा कि उनके सर्वाइवल का सवाल उठेगा और केवल सर्वाइवल का ही नहीं बल्कि यदि उनकी जिंदगी बच भी जाती है तो बहुत सारे संज्ञानात्मक विकृतियां हो सकती हैं तो ऑक्सीजन का कितना बड़ा कितना बड़ा रोल प्ले करता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सप्लाई और एक हवादार कक्षा में पढ़ना एक हवादार एक परिवेश में रहना एक प्राकृतिक वातावरण में किस तरीके से प्राकृतिक वातावरण के रूप में ढालना विद्यालय को विश्वविद्यालय को महाविद्यालय को ये जितने भी हैं उनका एक एक केवल स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है बल्कि बल्कि उसका एक आ, साइंटिफिक उसका एक कनेक्शन है जिसको न्यूरो साइंस ने वैलिडेट करने का काम किया है यूजअली यदि आप बच्चे से बात जितना अधिक बात करेंगे प्राइमरी फेज में उतना अधिक वो बोलने की कैपेसिटी रखेगा उतना आ, आ, उनके भाषा का विकास उतना ही अधिक होगा मींस क्या कि टॉक 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 यानी कि जितना आप अधिक बात करेंगे उसके ग्रे एरिया में उतनी भी वृद्धि होगी यानी कि न्यूरल कनेक्शंस उतने बढ़ेंगे और ख़ास करके अप टू ट्वेल्व ईयर तक और जितना अर्ली स्टार्ट किया जाए खास करके थ्री इयर्स फोर इयर्स के बाद आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे मल्टीलिंगुअल ट्रेनिंग देना उतना ज़्यादा वो उसमें ट्रेंड हो जाएगा क्योंकि न्यूरल जो एविडेंसेस हैं न्यूरो साइंस के जो एविडेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे एविडेंसेस हैं कि जितना अधिक आ, जितना शुरू से आप जितना अर्ली स्टार्ट कर देंगे जितना आप अधिक जल्दी से आरंभ करेंगे भाषा का आ, की लर्निंग उतना ही उसे बेनिफिट होगा तो इस तरीके से टॉक 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 अप टू तो ट्वेल्व इयर्स तक मल्टी ट्रेनिंग देना यानी कि उनको खास करके लिंग्विस्टिक स्किल्स चाहे जितने भी हैं चाहे चाहे वो लिसनिंग का स्किल हो चाहे श्रवण कौशल हो चाहे रीडिंग का स्किल हो चाहे स्पीकिंग का हो चाहे राइटिंग का हो चाहे जितनी भी स्किल्स हैं उन स्किल्स में आप उतने ही ट्रेंड लेकिन हम जानते हैं कि जो रीडिंग है ये हमारी नेचुरल स्किल नहीं है ये हमारी एक्वायर्ड स्किल है लेकिन स्पीकिंग हमारी नेचुरल स्किल है हमारी जो एक राइटिंग है राइटिंग बेसिकली यदि देखा जाए तो हमने हमारी जितने भी आर्ट है वो आर्ट भी एक राइटिंग का ही स्वरूप है क्योंकि जब आप यूजुअली देखेंगे कि जितने भी पुराने फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बिफोर यदि आप गुफाओं की पेंटिंग यदि देखें तो एक राइटिंग का ही एक्सटेंशन है तो राइटिंग हमारे लिए एक नेचुरल है हमारे लिए <coughs> जो कला के जितने भी स्वरूप हैं वो हमारे लिए नेचुरल है हमारे लिए जो आ, स्पीकिंग है वो नेचुरल है हमारे लिए लिसनिंग नेचुरल है तो इस तरीके से एक प्राकृतिक तरीके से एक जो कॉग्निटिव जो साइंस जिसका हमें एक एविडेंस दे रहा है उसके आधार पे यदि हम क्लासरूम को या बच्चों के प्रकृति का यदि हम उनको अपने तरीके से यदि हम पोषित करें पोषण करें तो डेफिनेटली उनके पर्सनालिटी को उनके व्यक्तित्व को हम एक नई दिशा दे सकते हैं तो इसीलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है यूजुअली हम देखते होंगे कि यदि पुराने जितने भी एक हमारी इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो रही है आज उसको दुनिया बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अब फॉलो करने की कोशिश कर रही है कि एक वैदिक पीरियड में खास करके जो एक शैक्षिक संस्थान की प्रकृति क्या होनी चाहिए शैक्षिक संस्थान की स्थिति क्या होनी चाहिए किस तरीके से प्राकृतिक परिवेश में होना चाहिए किस तरीके से व्यक्ति के प्र... आप जब मेडिटेशन करते हैं या जब आप अपने एनर्जी को ढूंढने का कार्य करते हैं एनर्जी कैसे चैनलाइज होते हैं इसको आप जब जानते हैं तो आपके अंदर अद्भुत खजाना है उस खजाना को ढूंढने में न्यूरोसाइंस के जितने भी इम्प्लीकेशन्स हैं वो आपको एक रिवेलिडेट करने का कार्य करता है तो इस तरीके से न्यूरो साइंस एक जो इमर्जिंग फील्ड है जो इमर्जिंग फील्ड क्या कहा जाए इसने जितने भी फिलोसॉफिकल और जितने भी सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जितने भी जो आ, लर्निंग के संदर्भ में या ह्यूमन बिहेवियर के संदर्भ में जो भी सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों को रीवैलिडेट करने में ये एक बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव है ये बहुत बड़ा एक एक दृष्टिकोण देता है हमें तो जितने भी जो टीचर एजुकेशन हो या कोई भी ऐसे अनुशासन जिस अनुशासन में हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं वहाँ पर आज हम न्यूरोकोनॉमिक्स न्यूरो लिंग्विस्टिक न्यूरो कॉमर्स हम न्यूरो जितनी सोशोलॉजी न्यूरो बायोलॉजी हम बहुत तरह के आज हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी ने इन अंदर के डायनेमिक्स को इस कॉग्निटिव बॉक्स के डायनेमिक्स को इसके अंदर की गति को समझने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है अतः चाहे टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग के रूप में या पेरेंट्स के रूप में कम से कम हमें ये समझना चाहिए कि वाटर का इनटेक कैसे होना चाहिए खाना कौन सा हमें खाना चाहिए किस खाने में कैलोरिक वैल्य। वैल्यू कितनी है कैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए कैसा डिनर होना चाहिए कैसा लंच होना चाहिए इस तरीके से यदि आप देखेंगे क्योंकि सबका कहीं ना कहीं जैसा आपका आहार होगा जैसा आपका अन्न होगा वैसा ही आपका मन बनता है तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो एक न्यूरो साइंस ने एक नई दिशा देने का कार्य किया है ये जो पर्सपेक्टिव है इसको रीडिफाइन करने का आ, काम किया है अतः तो ये जितने भी जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो मूलभूत हैं क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि प्रत्येक शिक्षक न्यूरोवैज्ञानिक नहीं हो सकता है प्रत्येक माता पिता न्यूरोवैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं लेकिन उनको कम से कम न्यूरो साइंस के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उनको जरूर लाना चाहिए और करिकुलम के माध्यम से और पाठ्यक्रम के माध्यम से फॉर्मल इनफॉर्मल जहाँ भी माध्यम से न्यूरोसाइंस के इम्प्लीकेशंस को अवश्य पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए पेरेंट्स को जानना चाहिए कम्युनिटी वर्कर को जानना चाहिए जिस वजह से और जिसके माध्यम से हम नए जनरेशन को हम शेप कर सकें रीशेप करें और डीशेप करें और डेफिनेटली जिस तरीके का हमारा करिकुलम होगा जिस तरीके का हमारा एजेंडा होगा उसी तरीके का हम हमारा एक उज्जवल भविष्य भी होगा तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज आ, बहुत ही डिस्टर्बेंसेज रहे इनके लिए खास करके नेटवर्क और प्लस नेटवर्क की वजह से जो एक न्यूरोसाइंस ये भी कहता है कि जब बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज होंगे तो आपके ब्रेन में एक आ, आ, जो बीटा वेव्स निकलना जब स्टार्ट होता है तो आप थोड़े स्ट्रेस भी हो जाते हैं कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए लेकिन आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना हमें और सोनू जी का वाकई बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को उन्होंने क्रिएट किया कि ताकि अकेडमिया में एक नई हलचल है लोग आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक आभार बहुत बहुत धन्यवाद